मॉक 4 प्रश्न 2 में आपका स्वागत है। एक और मॉक हुआ आपका प्रश्न पत्र 2। पहले भी हम लोग कई बार इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर चुके हैं, फिर से मैं वही रिपीट करना चाहूँगा। 160-170 के आसपास अंक तो होने चाहिए आपके, तभी जो है आपका, सॉरी 170 मैक्सिमम है ये, 140 से लेके 170 मेरा कहने का मतलब था, 140 से ऊपर होने ही चाहिए। 170 के आसपास है तो बहुत ही आसान बात हो जाएगी, लेकिन मान के चले बहुत सारे बच्चे हैं जो 170 के आसपास छू दे रहे हैं, इसलिए 140 सही स्तर होगा। पेपर ध्यान से पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, किस किस तरह के प्रश्न हैं, किस किस तरह के नहीं है, उसमें आपको ध्यान होना चाहिए। किस एरिया में आपका आप कमज़ोर हैं, किस किस क्षेत्र में आपका जो है स्थिति सही है, किस में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, किस में आपके कम अंक आ रहे हैं, पता होना चाहिए आपको, और इसी उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए परीक्षा के लिए। उन क्षेत्रों में जहाँ पे आपके पास आपके पास ओवरऑल कम नंबर आ रहे हैं, आप अच्छा नंबर नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, वहाँ पे चाहिए आपको अच्छी मेहनत। 24 अगस्त को एग्ज़ाम है, 3 से 3.5 महीना बचा हुआ आपके पास, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी पहले की हुई है, और इसलिए कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ रहेगा। फिर से मैं कहूँ कि 100 में से मात्र 3 से 4 बच्चे ही जाते हैं प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स से निकल के मेंस में, तो इसलिए बहुत मुश्किल भले ना कहा जाए लेकिन कॉम्पिटिटिव बहुत होता है यहाँ पे, काफ़ी तगड़ी प्रतियोगिता होती है ये आपस में। और ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि आप कितने अच्छे हैं, ये एक बात है, लेकिन आप कितने लोगों से अच्छे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। और आपको हर 25 में से एक ही आदमी अंदर जा रहा है मेंस की परीक्षा देने, तो इसलिए ध्यान रहना चाहिए कि वो स्तर आपका हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन इस बार परिच्छेदों से नहीं है, जबकि कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन इससे है प्रश्न। सभी बच्चे सृजनात्मक होते हैं, कुछ बच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, बुद्धिमान बच्चे विलक्षण प्रतिभा संपन्न हो सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या क्या है। अब इसी इन्हीं 3 कथनों से जो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बच्चे बुद्धिमान है। खैर, बच्चे और उनके बुद्धिमान होने के बीच का कोई विश्लेषण दिया ही नहीं है, कोई कथन ऐसा बता ही नहीं रहा, उनके बीच का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए अपने आप ही, विकल्प ए अपने आप ही निकल जाता है। विकल्प बी सी डी, आइए देखते हैं पहले विकल्प सी। सभी बुद्धिमान बच्चे विलक्षण प्रतिभा संपन्न होते हैं। अगर आप देखें तो कह रहा है कि सभी बुद्धिमान बच्चे विलक्षण प्रतिभा संपन्न होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के बारे में, कुछ बच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, ठीक है, बुद्धिमान बच्चे विलक्षण प्रतिभा से संपन्न हो सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या सभी बच्चे होते हैं? साफ तौर पे कह सकते हैं कि नहीं, ये कथन गलत है। सृजनात्मक बच्चे सामान्य रूप से विलक्षण प्रतिभा संपन्न होते हैं, सभी बच्चे सृजनात्मक होते हैं, ठीक है। फिर सृजनात्मक बच्चों का विलक्षण प्रतिभा से क्या उससे कोई रिलेशन दिया हुआ है? सीधे कोई रिलेशन दिया नहीं हो रहा, उनसे कोई रिलेशन बन भी नहीं रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी अपने आप चला गया, कहीं से मतलब ही नहीं बनता। कुछ विलक्षण प्रतिभा के धनी सृजनात्मक होते हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, सभी बच्चे सृजनात्मक होते हैं, तो इसका मतलब कुछ बच्चे, ये सारे बच्चे जो जिनमें से कुछ बच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, वे पहले से सृजनात्मक होते ही होते हैं, तो इसलिए हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं कुछ विलक्षण प्रतिभा के धनी सृजनात्मक होते हैं। तो इसलिए एक तरह से सारे के सारे बच्चे सृजनात्मक होते हैं, उसमें से कुछ बच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, तो कुछ बच्चे पक्की बात ही है जो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं वे सृजनात्मक होते हैं, तो ये हमारे पास बी विकल्प है जो कि सही है। इसमें आप पढ़ सकते हैं डिटेल। हमारे पास दूसरा है वेटेड एवरेज से 36.60 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम मूल वाला कितना चावल 34.60 रुपए की प्रति किलोग्राम वाले 27 किलो चावल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए, जिससे कि मिश्रण को 39.48 प्रति ग्राम मूल पर विक्रय करने में 12% का लाभ हो जाए। तो इसको 12% का लाभ चाहिए, तो इस तरह से मूल्य होना क्या चाहिए वो होगा, अगर x मान लेते हैं तो x इंटू 1+12% शुड बी इक्वल टू 39.38 रुपए
48 पैसा। तो एक स्तर ये हुआ आपका, ये पहला चीज बना जिससे आपको पता चलेगा कि जो आप मिश्रण तैयार करेंगे कि उसका मूल्य होना क्या चाहिए। अब उसका मूल्य किस वजह से होगा, 36-60 और 34-60। तो 36-60 वाले से कितना मूल्य कितना लगेगा, 36-60 वाले से अगर आप देखें तो 36 रुपए 60 पैसा गुड़े एक्स, अगर मान ले वो एक्स है, धन वाई मान ले क्योंकि हमने एक्स पहले मान लिया है इसमें, 34 रुपए 60 पैसा गुड़े 27 बटे कुल कितना हो गया, 27 किलो एक तरह का चावल है और वाई किलो दूसरी तरह का चावल है। ये बराबर होगा जो आपके पास एक्स का मान आएगा। तो इसको अगर बराबर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा उत्तर, जो उत्तर आएगा 13। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए, विकल्प ए सबसे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, केवल वे लोग जो नृत्य करना जानते हैं सालसा क्लब के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, पहला पहला ये कहता है सालसा क्लब के कुछ सदस्य प्रशिक्षित नर्तक हैं, कुछ सदस्य प्रशिक्षित नर्तक हैं। सालसा क्लब के वे सदस्य जो प्रशिक्षित नर्तक हैं सालसा प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, सालसा क्लब के वे सदस्य जो प्रशिक्षित नर्तक हैं सालसा प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आइए इनमें इनका निष्कर्ष निकालें। सभी लोग जो नृत्य करना जानते हैं सालसा क्लब के सदस्य होते हैं। फिर से आप देखिए, पहला पहला कहता है केवल वे लोग जो नृत्य करना जानते हैं सालसा क्लब के सदस्य बन सकते हैं। वे बन सकते हैं, वे जरूरी नहीं है कि है, चाहे आपको नृत्य करना आता हो तो हाँ आप सालसा क्लब के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन सभी लोग जो नृत्य करना जानते हैं सालसा क्लब सदस्य होते हैं ये जरूरी नहीं है। वे बने या ना बने ये उनके ऊपर है। तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। सालसा क्लब के सभी सदस्य जानते हैं कि नृत्य कैसे किया जाता है। तो अगर आप ये देखें केवल वे लोग जो नृत्य करना जानते हैं सालसा क्लब के सदस्य बन सकते हैं, सालसा क्लब के कुछ सदस्य प्रशिक्षित नर्तक हैं, सालसा क्लब के वे सदस्य जो प्रशिक्षित नर्तक हैं सालसा प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो इस हिसाब से सालसा क्लब के सभी सदस्य जानते हैं कि नृत्य कैसे किया जाता है, ये पक्की बात सही होगी क्योंकि वे लोग जो नृत्य करना जानते हैं वही इसके जो है मेंबर बन सकते हैं, वही इस क्लब के सदस्य बन सकते हैं। सी और डी ऑप्शन भी देखा जाए, सालसा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी लोग सालसा क्लब के सदस्य हैं, नहीं, जबकि कहा गया सालसा प्रतियोगिता में भाग वही ले सकते हैं जो प्रशिक्षित नर्तक है। सारे के सारे नहीं, सदस्य नहीं ले सकते, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, नहीं बी निकाला जा सकता है। तो इसलिए डी अपने आप गलत हो गया। गत वर्ष श्री कुलकर्णी परिवार छुट्टी मनाने लंदन गए थे, इस वर्ष वे सपरिवार भ्रमण के लिए उत्सुक नहीं है क्योंकि उनका परिवार सिंगापुर जाने की योजना बना रहा है। थोड़े हद तक कई बच्चों को इसमें डाउट आ सकता है, थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन ध्यान दे तो ये है की जगह है कर दिया जाए तो इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा। इस वर्ष वह सपरिवार और ये भी वे की जगह वह हो, परिवार भ्रमण के लिए उत्सुक नहीं है क्योंकि उनका परिवार सिंगापुर जाने की योजना बना रहा है। तो इसका मतलब श्री कुलकर्णी के बच्चे सिंगापुर जाना चाहते हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं, उनका परिवार बना रहा है योजना, हो सकता है वो बन हो सकता है। श्री कुलकर्णी सिंगापुर की अपेक्षा लंदन जाना अधिक पसंद करते हैं, इस तरह का नहीं है कि लंदन के बारे में दिया गया वो पिछले साल गए थे। श्री कुलकर्णी हर वर्ष भ्रमण पर जाते हैं, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। श्री कुलकर्णी सिंगापुर नहीं जाना चाहते ये कहा जा सकता है क्योंकि उनका परिवार सिंगापुर जाने की योजना बना रहा है, इसलिए वे भ्रमण के लिए उत्सुक नहीं है। वो इच्छुक नहीं है तो मतलब वो नहीं जाना चाहते हैं, तभी वह उत्सुक नहीं है क्योंकि उनका परिवार सिंगापुर जाना चाह रहा है। अगला प्रश्न, कथनों को सावधानी से परीक्षण कीजिए, उन पर आधारित दो प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। गगन मगन और राजन पीडीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं जबकि अनिल भावना और चंपा विद्या केंद्र स्कूल में पढ़ते हैं। भावना चंपा से तेज है किंतु पीडीएस पब्लिक स्कूल की उस विद्यार्थी से कमजोर है जो कि गगन से तेज है, और गगन भावना। तो ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास दिए हुए हैं, स्टेटमेंट के आधार पे हमको एक एनालिसिस करना पड़ेगा और उस एनालिसिस में देखना पड़ेगा कि कौन किससे तेज है और किससे कमजोर है। ठीक है, भावना चंपा से तेज है तो कहा जाता है भावना यानी कि बी चंपा से तेज है, सीधे दिया हुआ है, किंतु पीडीएस पब्लिक स्कूल के उस विद्यार्थी से कमजोर है जो गगन से तेज है। और गगन, ध्यान दीजिए,
भावना चंपा से तेज है, ठीक है। इसके बाद कहता है, किंतु पीडीएस पब्लिक स्कूल के उस विद्यार्थी से कमजोर है जो कि गगन से तेज है और गगन भावना से तेज है। तो गगन भावना से तेज है लेकिन भावना पीडीएस पब्लिक स्कूल के उस विद्यार्थी से कमजोर है जो कि गगन से तेज है। तो गगन से भी तेज है कोई पीडीएस स्कूल का कोई विद्यार्थी, वो अभी मैं पता नहीं। वो गगन, मगन और राजन हो सकते हैं। गगन का पक्का हो गया तो मगन और राजन में से कोई एक हो सकता है। पीडीएस पब्लिक स्कूल का वही विद्यार्थी अनिल से कमजोर है किंतु राजन से तेज है। अनिल से कमजोर है परंतु राजन से तेज है। तो अनिल से कमजोर है तो अनिल पीडीएस स्कूल का वह विद्यार्थी और राजन, इस तरह से वह लाइन में होंगे। दो विद्यालयों के 6 विद्यार्थी में से कोई भी दो विद्यार्थी समान रूप से तेज नहीं है, कोई भी बराबर रूप से तेज नहीं है। तो अब हम लोग को यह जानना है कि ये तीनों के तीनों कहां पे स्तर पे हो सकते हैं। अब देखिए, राजन का इस बारे में पक्का नहीं है। तो राजन, अब वह गगन से तेज है, तो गगन से तेज है तो आगे है, और अनिल उससे भी तेज है, तो अनिल सबसे आगे होंगे और उसके बाद होंगे वह आदमी जो कि इनमें से बचता है। तो 5 आदमी यहां हमारे पास हो गए हैं, तो यानी कि मगन एक और होंगे जो कि अनिल और मगन इस तरह से साथ होंगे, यानी कि ये वो जगह है जहां मगन होंगे। तो अनिल, मगन और गगन, भावना और चंपा, तो ये 5 इस तरह से है। लेकिन राजन किस जगह है? राजन यहां पे भी हो सकते हैं, 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 क्योंकि राजन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से हमारे पास आएगा, जो आएगा वो आएगा अनिल, उसके बाद मगन, उसके बाद गगन, उसके बाद भावना, उसके बाद चंपा। अब इसमें से राजन कहाँ है? राजन यहां से लेके कहीं पे भी हो सकते हैं अंत तक, क्योंकि राजन अनिल और मगन से हल्के हैं, बस यही बात हमें पता चला है। बाकी राजन के बारे में और कोई भी जानकारी नहीं है। 6 विद्यार्थियों में कौन सबसे तेज है? पक्का कहा जा सकता है अनिल जो है इनमें से सबसे तेज है। पीडीएस पब्लिक स्कूल के तीनों विद्यार्थियों में कौन सबसे कमजोर है? पीडीएस पब्लिक स्कूल से हमारे पास कौन कौन विद्यार्थी है? गगन, मगन और राजन। लेकिन अब हमें ये कहा ही नहीं जा सकता कि कौन पक्का कमजोर है, क्योंकि गगन और राजन के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजन का डेटा सही नहीं है, तो इसलिए अपर्याप्त अंक। 6 पुस्तकें B1 से लेकर B6 एक पुस्तकालय की ताड़ पर रखी हुई है, अनिर्णायता इसी क्रम में नहीं है, ठीक है। तो वह इसी क्रम में नहीं है, इस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। B5 B2 के ठीक ऊपर है, तो कहा कि B5 B2 के ठीक ऊपर है, तो ये हम कह सकते हैं कि 5 और 2 साथ साथ है। B4 B6 के नीचे है और इन दोनों में से कोई भी पुस्तक नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखी है। B4 B6 से नीचे है और इन दोनों में से कोई भी पुस्तक B नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखी है। तो यानी कि B4 B6 के नीचे है, तो क्या B6 क्या सबसे ऊपर है? B4 कितनी नीचे, इस बारे में भी नहीं कहा गया है। तो इसलिए B4 B6 के बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि वह कहां पे है। B1 B3 के ऊपर है किंतु B5 के नीचे है। B5 के नीचे है तो पक्का B2 के भी नीचे होगी, क्योंकि B2 जस्टिस के नीचे है। तो B1 B3 के ऊपर है किंतु इन दोनों के नीचे है, तो 3 यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी और यहां पे भी हो सकता है, इसीलिए 1 और 3 कहीं पे भी हो सकते हैं। B5 नीचे से सम संख्या स्थान पर रखी है। अब कहता है कि नीचे से B5 सम संख्या यानी कि एक इवन नंबर पोजीशन पे है, तो वह यानी कि दूसरे, चौथे या छठवें पे होगी। अब देखिए, 5वां 5 के नीचे कम से कम 3 पुस्तकें तो हैं ही, 2, 1 और 3। तो इसका मतलब है कि 5 या तो 4 पे होगा नीचे से या तो 6 पे। इसलिए एक कंडीशन है जिसमें 5 अगर 4 पे होगा तो 6 और 4 उसके ऊपर होंगे, तो उस हिसाब से ये क्रम होगा। अगर 5 सबसे ऊपर होगा तो 2 यहां हुआ। अब इसके बाद कहता है 6 और 4 में से कोई भी नीचे से तीसरे स्थान पे नहीं है, तो 6 यहां होगा और 4 यहां पे हो सकता है, और 1 और 3 फिर यहां हो सकते हैं। इसी तरीके से फिर आगे बढ़े तो 5, 2, 6, लेकिन अब
फोर अगर यहां नहीं, फोर तीसरे स्थान पे नहीं हो सकता है, फोर सबसे नीचे हो सकता है, तो वन थ्री और फोर हो सकता है। और नहीं तो एक और तरीका बचता है जो कि फाइव टू एक तरह से आए और थर्ड फोर्थ पोजीशन पे सिक्स और फोर दोनों नहीं है लेकिन वे नीचे तो हो ही सकते हैं क्योंकि उनके बारे में और कुछ नहीं दिया है, तो इस तरह से ये वाली पोजीशन भी हो सकती है। तो इस तरीके से चार पोजीशन हमारे पास मिल गई। उसका कहा कि टाण में छह पुस्तक रखे जाने की विभिन्न संभाव अवस्थाएं होंगी, तो कुल हमारे पास चार तरीके हैं जिनमें जिस तरीके से ये रखा जा सकता है। आइए अगले कुछ कथनों पर विचार करते हैं और देखते हैं कि क्या सही है। यद्यपि स्वप्न क्षण भंगुर होते हैं किंतु उनमें से है कुछ कभी खत्म नहीं होते क्योंकि वे हमारे जीवन पथ को अवलोकित करते हैं। तो इस हिसाब से ध्यान दीजिएगा, स्वप्न क्षण भंगुर होते हैं किंतु उनमें से कुछ कभी खत्म नहीं होते क्योंकि वे हमारे जीवन पथ को आलोकित करते हैं। सभी क्षण भंगुर चीजें खत्म हो जाती हैं। क्या सभी क्षण भंगुर चीजें? ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रेरणा खत्म नहीं हो सकती, इस बारे में कोई चीज दी ही नहीं है, इसलिए तो बी को तो हम कहीं से भी निष्कर्षित नहीं कर सकते। स्वप्न जीने के लिए अनिवार्य है, स्वप्न आते हैं लेकिन जीने की अनिवार्यता के बारे में उन्होंने कोई संबंध नहीं है और उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला। कुछ स्वप्न खत्म नहीं होते, हाँ यह दिया हुआ है, यदि यद्यपि स्वप्न क्षण भंगुर होते हैं कि उनमें से कुछ कभी खत्म नहीं होते, तो ये हुआ आपका सही। एम क्रॉस एन का अर्थ है एम एन की पुत्री, एम माइनस एन का अर्थ है एम एन का पिता, एम एट द रेट एन का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रिलेशन क्या हुआ, तो आ रहा है ए एट द रेट ऑफ बी, यानी एम एन की माता है, यानी ए बी की माता है। तो ए एक फीमेल है, फीमेल को अगर हम ओवल में दिखाते हैं गोल में तो इस तरह से आता है, और बी के बारे में अभी पता नहीं है हमें, तो बी ये हुआ बी माइनस सी। बी माइनस सी कहता है एम माइनस एन का अर्थ है एम एन का पिता है, तो बी सी का पिता है, तो यानी कि बी एक पुरुष हुआ और सी के बारे में अभी नहीं पता है। ठीक, सी प्लस डी, सी प्लस डी का अर्थ है एम एन का भाई है, सी डी का भाई है, यानी कि सी भी एक पुरुष है लेकिन डी के बारे में नहीं कहा जा सकता अभी कि वह पुरुष है या स्त्री है। डी क्रॉस ई, क्रॉस का मतलब दिया हुआ है एम एन की पुत्री है, तो एम एन की पुत्री यानी कि डी ई की पुत्री है, तो ई की पुत्री है, तो ई ये हुआ और ई की पुत्री है ये, तो इसका भाई है सी और ये हुए फीमेल। तो अगर ये इसका भाई हुआ, ये इनके पिताजी हुए और डी उनकी इसकी बहन हुई, तो यानी कि बी और ई आपस में हस्बैंड वाइफ है और बी और ई इस वजह से ई ए की क्या हुई, पुत्रवधु। जी हाँ बिल्कुल सीधे, वह उनकी बहू हुई जिनको हम पुत्रवधु भी कहते हैं। तो ई एक फीमेल हुई क्योंकि बी ऑलरेडी एक मेल है। एक एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पांच बल्लेबाजों सचिन, युवी, कोहली, वीरा और सूरी द्वारा बनाए गए औसत रनों की संख्या 54 है। यदि उस मैच में वीरा ने सूरी से 7 रन अधिक बनाए, जिसने सचिन से 8 रन कम बनाए, युवी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या वीरा और सूरी को मिलाए बने रनों की संख्या के बराबर है, यदि युवी और कोहली को मिलाकर बनाए गए रनों की संख्या 159 थी तो किसने सर्वाधिक रन बनाए। तो बहुत मुश्किल नहीं है, सीधे माना जा सकता है सूरी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या एक्स मान लेते हैं, तो इस हिसाब से वीरा ने बनाए हैं एक्स धन 7। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो सचिन ने बनाए हैं एक्स धन 8 और कहता है यूवी और कोहली द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है 159। तो यानी कि इन सब को जोड़ लें तो मिला के आता है 54 × 5, यानी कि 159 और ऊपर के 3 रन अगर जोड़ लें तीनों द्वारा बनाए गए तो आता है 54 × 5, क्योंकि औसत है 54। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x का मान आ जाता है 32। तो इसके बाद कोहली द्वारा बनाए गए रनों की संख्या जो कि हमें दिया गया हुआ है, यूवी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या वीरा और सूरी के मिलाकर बनाए गए रनों की संख्या के बराबर है, तो उसको अगर हम निकालें तो हमारे पास आ जाता है 71 रन, और अगर 71 रन यूवी ने बनाए हैं तो यूवी और कोहली ने मिलकर 159 बनाए हैं, तो कोहली ने बनाए हैं 88। तो इस हिसाब से हमारे पास सबसे ज्यादा
स्कोर बनता है कोहली का। देखिए 159 देख के भी आप समझ गए होंगे जब एक्स का मान 32 आ गया तो या तो कोहली या तो यूवी में से कोई एक है। यूवी के बारे में दिया है कि उन्होंने उतने ही रन बनाए हैं जितने सूरी ने और वीरा ने मिला के बनाए थे, तो वह है एक्स प्लस एक्स प्लस सेवन यानी कि 2x+7 यानी कि 32 का अगर एक्स का मान है तो 71 रन हुए। तीन बॉक्स B1, B2 और B3 में कुल मिलाकर टॉफियों की संख्या 216 है। B1 और B2 में कुल मिलाकर टॉफियों की संख्या B3 में टॉफियों की संख्या का दुगना है और B3 में टॉफियों की संख्या B2 में टॉफियों की संख्या का दुगना है। B1 में टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुश्किल नहीं है, सीधे आप अगर मान सकते हैं। B3 में हम मान लेते हैं टॉफियों की संख्या है x, B3 में अगर आप मानिए टॉफियों की संख्या है x, तो इस हिसाब से B1 और B2 में मिला के कितनी हुई 2x। अब इस हिसाब से B1 में अगर टॉफियों की संख्या देखिए कितनी हुई, वो हो जाएगी 3/2x, ये B1 में हुई। तो इस हिसाब से अगर और आगे देखें तो इन सबको अगर हम मिला के देखें तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर आता है 72। तो 216 में से आप सीधे भी कह सकते थे जब B3 आपको हुआ है कि B1 और B2 और B3 मिला के 216 है, B1 B2 में कुल टॉफियों की संख्या B3 टॉफियों से दुगना है, तो x 72 होगा, दूसरा 144 दूसरा हो जाएगा। B3 में टॉफियों की संख्या B2 में टॉफियों की संख्या के दुगना है तो B2 में इसकी आधी हो गई यानी कि 36 हो गई, तो बाकी बचेगा उसमें 108 हो जाएगी। तो ये हमारे पास तीन इकाइयां आ गई, B1 में टॉफियों की संख्या 108, इनमें से कोई नहीं सही उत्तर। चार पासे एक साथ फेंकी जाती, यदि किन्हीं भी दो पासों के परिणाम समान नहीं है तो चारों पासों के संभाव परिणामों के योग के अधिकतम और न्यूनतम संभावित मान के बीच निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। अब अगर देखा जाए तो अपेक्षित अंतर क्या है, तो अगर उसमें सबसे ज्यादा आ जाए चारों में, सबसे ज्यादा कितना आ सकता है, 1 में 6, 1 में 5, 1 में 4, 1 में 3, ध्यान दीजिएगा दोनों 2 में बराबर एक जैसा नहीं आया है, तो इतना हुआ 1 में, और बाकी अगर हो तो इसी 6 और 5 की जगह 1 और 2 लगा दीजिए क्योंकि 1, 2, 3, 4 तक आया हो, तो इस हिसाब से हमारे पास हो जाएगा 8 का फर्क आ जाएगा, इससे हमारा कुल मान हुआ 8। ये प्रश्न 13 पे परिच्छेदों की शुरुआत होती है। यहां से पहला परिच्छेद, भारत में हमारे लगातार ये संकट स्थिति बनी हुई है मुद्रास्फीति की, उसके ऊपर ये परिच्छेद है। परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और थोड़ा राजनीति और अर्थव्यवस्था से जोड़ के देखें। फिर से मैं कहूंगा जो लिखा है वही सत्य है, बाहर की आपकी जो भी आपके पास बाहर का ज्ञान है उसको यहाँ पे जरूर से मत लगाइएगा वरना आपके उत्तर गलत हो सकते हैं। मुख्य खुदरा बाजारों में उच्च मुद्रास्फीति के क्या कारण है? बाहर को अगर आप जानते हैं तो उच्च लागत मूल्य भी हो सकते हैं और भारी वर्षा भी हो सकती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे परिच्छेद के अनुसार देखें तो सीधे सीधे परिच्छेद कहता है कि अधिक लागत के कारण खुदरा मुद्रास्फीति अधिक बनी हुई है। इसके बाद अगर देखें तो अधिक वर्षा के कारण खाद की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन परिच्छेद में इसका मुद्रास्फीति से संबंध नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ध्यान दें अगर हम तो सीधे सीधे बोला जा रहा है कि मुद्रास्फीति ज्यादातर उच्च लागत यहाँ पे उच्च लागत मूल से ही संबंधित है, तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा आंसर होगा विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन मुख्य बाजार में मुद्रास्फीति को उच्च बनाए हुए है? अगर देखा जाए तो सीधे दिया देता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मुद्रास्फीति के खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं, किंतु गत माह में बढ़ती लागत मूल्य जिसके लिए कच्चे माल के उच्च माल तथा मजदूरी में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया। ध्यान दीजिए कच्चे माल के उच्च मूल्य तथा मजदूरी में वृद्धि, तो इस हिसाब से फसल की बर्बादी, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कोई कारण नहीं है, वह तो एक सूचकांक है, तो इसलिए वह एक कारण नहीं है ये जिसने मुद्रास्फीति को उच्च बनाया हुआ है। नए IBI अध्यक्ष की नियुक्ति, इसका कोई वर्णन नहीं कि उनकी वजह से हुआ है। मजदूरों के वेतन में वृद्धि साफ तौर पर दिया गया है जिससे ये, और कच्चे माल के उच्च मूल्य की वजह से रॉ मटेरियल के कॉस्ट और वो वेजेस, तो इसीलिए इनकी वजह से मुद्रास्फीति बनी हुई है। निम्नलिखित अवधारणाओं पर विचार कीजिए। सत्ताधारी दल अगर यह सुनिश्चित करे कि वह मुद्रास्फीति को चुनाव के एक माह पूर्व नियंत्रित कर लेगा तो वह सत्ता में बना रहेगा, क्या इससे यह कहा जा सकता है? बल्कि अगर देखा जाए तो मतलब इस तरह का कहीं कोई उल्लेख नहीं है
बल्कि अगर हम शुरुआत में पढ़ें तो कहता है चुनावों में जो कि कीमतों में कटौती सत्ताधारी कांग्रेस दल को कुछ राहत अवश्य देगी, जो कि 7 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले चुनावों के जनमत सर्वेक्षण में पिछड़ती दिख रही है। 10 वर्ष तक सत्ता में रहने के पश्चात इस बार यह हार हार सकती है, जिसका कारण कुछ हद तक मुद्रास्फीति को नियंत्रित न कर पाने तथा अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान न कर पाने में असफलता माना जा सकता है। तो इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि सुनिश्चित कि सत्ताधारी दल अगर यह सुनिश्चित कर ले कि मुद्रास्फीति चुनावों के एक माह पहले अगर नियंत्रित हो जाती है तो वह सत्ता में बने रहेगी? इससे यह नहीं आता है, क्योंकि अगर हम देखें फिर से उस पे, तो वह कहता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित ना कर पाना और अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान में असफलता यह मुख्य कारण है, और यह कोई एक माह में नहीं है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ये काफी समय से जो चले आ रहे हैं उस वजह से ये कारण बन जाते हैं। लीफ एस्केशन के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का एक दायित्व यह भी है कि वह मुद्रास्फीति में इससे संपन्न उत्पन्न संकट की निगरानी करे। तो इससे क्या इस बारे में उन्होंने दिया हुआ है? अगर देखा जाए तो इस बारे में लीफ एस्केशन ने जो लिखा है वह कहते हैं मुद्रास्फीति की समस्या से निपटने हेतु केंद्रीय बैंक को सक्रिय नियंत्रण रखना आवश्यक है। तो क्या इसका मतलब है कि वह दायित्व है मुद्रास्फीति से उत्पन्न संकट की निगरानी करे? ऐसा उसके इस स्टेटमेंट से नहीं क्लियर होता, और स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। इस प्रकार यहां पे हमारे पास दोनों के दोनों गलत है। अगला हमारे पास एक और हमारी राजनीति से जुड़ा, हमारे राजनीति की सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र से जुड़ा हुआ। परिच्छेद के अनुसार देश में लोकतंत्र के पतन के निम्न से में से क्या कारण है? परिच्छेद के अनुसार ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे देखा जाए डी ऑप्शन जैसे देखते हैं पार्टी में जल्दी जल्दी फेरबदल, क्या इस बारे में है? तो इस बारे में अगर देखा जाए तो हमारे पास इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला गया है, जबकि सीधे सीधे ये कहा गया है कि यदि स्थिर नेतृत्व तो लोकतंत्र का हास कर रहा है तो शीघ्र परिवर्तन से समस्या का निवारण हो सकता है। तो इसलिए निवारण में बल्कि कहा गया है कि हमें क्या स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसलिए पार्टी में जल्दी जल्दी फेरबदल की वजह से लोकतंत्र के पतन हुआ, इस तरह से कुछ नहीं है। राजनेता अपनी योग्यता अनुसार अर्जन नहीं कर रहे, इस बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है। कट्टरवादी विचारधारा को वरीयता देना, इस बारे में भी मेंशन नहीं है। वंशानुगत शासकों द्वारा नियंत्रित दल, अगर देखा जाए तो लेखक के अनुसार जो कि जो लोकतंत्र में इस देश में लोकतंत्र का हास हो रहा है वह राजनीतिक पार्टियों के उच्च स्तरों पर दीर्घकाल से स्थापित नेतृत्व के कारण है, और देश में लगभग 50 ऐसे राजनीतिक दलों का नियंत्रण वंशानुगत शासकों या एक प्रभावशाली नेता द्वारा हो रहा है। तो वंशानुगत शासकों द्वारा नियंत्रित दल देश में लोकतंत्र के पतन के कारण है। भारतीय लोकतंत्र खतरे में नहीं है, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो यहां पे कोई भी विकल्प जो है इसमें हमारे पास परिच्छेद में नहीं है, किसी भी कारण का जबकि उल्लेख भी नहीं है। तो यहाँ पे देश में बहुत से राजनीतिक दल अस्तित्व में है, तो इस वजह से लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इस बारे में नहीं कहा गया है। अब विकल्प बी पे आते हैं, राजनेता यह मानते हैं कि वे राजनीति किसी महान उद्देश्य हेतु नहीं करते, फिर से इस बारे में कोई इसका रिलेशन नहीं बनता कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में नहीं है। सरकारी संस्थाएं स्वायत्त नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है क्या, और इस हिसाब से फिर तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन ही आता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए जो देश के लोकतंत्र में सुधार लाने हेतु योगदान कर पाए। अगर देखा जाए तो यहाँ परिच्छेद के अनुसार अगर हम देखें तो आवश्यक सुधारों में मंदी को नियंत्रित करना भी है, किंतु क्या और कैसे इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो अगर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो जाति भेद को समाप्त कर दे या पिछड़ी जातियों का सशक्तिकरण इसमें मदद करेगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, परिच्छेद के अनुसार नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखिएगा। और अगर ऑप्शन बी देखे, सरकारों को अधिक स्थायी बनाकर तथा समय से पूर्व चुनावों को बचाकर, तो इस हिसाब से मतलब क्या ये इस वजह से दिया गया है कि हम लोकतंत्र में सुधार लाने हेतु योगदान कर सकते हैं? तो यह एक रीजन दिया गया है जहां पे कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वही है कि साक्ष्य यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा खासा इसके लिए हमारे पास प्रूफ नहीं है कि क्या ये सच में इससे लेखक ये कहना चाह रहे हैं, इस पर हम अटकल लगा सकते हैं खाली। फिर अगर हम आगे आते हैं, तीसरा ऑप्शन, यह सुनिश्चित करना कि राजनीतिक दलों में सुपरिभाषित अंतर संरचना है, फिर से इस बारे में कुछ नहीं कहता। अमीर और गरीब के बीच अंतर कम करके, यह सही उत्तर है, क्योंकि आय में असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे लोकतंत्र संकट में पड़ सकता है।
यानी कि अमीर और गरीब के बीच अंतर कम करके लोकतंत्र में सुधार लाया जा सकता है और हमारे देश को सही ढंग से लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। आइए हम अगले 5 प्रश्नों पर एनालिटिकल रीजनिंग के। किसी कॉन्फ्रेंस में विज्ञान पर 3 व्याख्यान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और एक प्राणी विज्ञान पर है। 3 विज्ञान कला विषयों पर है जिसमें इतिहास, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र पर 6 या 6 के 6 व्याख्यान क्रमागत सोमवार शनिवार तक प्रत्येक दिन एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इससे और भी ज्ञात क्या होता है? भौतिक विज्ञान पर व्याख्यान प्राणी विज्ञान पर व्याख्यान से पहले हुआ, तो भौतिक विज्ञान पर पहले हुआ प्राणी विज्ञान से। इतिहास पर व्याख्यान समाजशास्त्र से पहले हुआ, समाजशास्त्र पर व्याख्यान भौतिक विज्ञान पर व्याख्यान से पहले हुआ। तो अगर देखा जाए इनको लाइन से अगर लगाया जाए तो इतिहास आता है पहले, फिर आता है समाजशास्त्र, फिर आता है भौतिक विज्ञान और इसके बाद आता है प्राणी विज्ञान। अब इसमें हम और क्या कह सकते हैं, इसमें बाकी का कह सकते हैं, इनमें से किसी भी क्षेत्र के लिए तीनों व्याख्यान 3 क्रमागत दिनों में आयोजित नहीं हुए। अच्छा, तो इसका मतलब इतिहास, समाजशास्त्र, तीसरा हमारे पास कौन सा है, मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान इसके साथ नहीं होगा। और इसी तरह से भौतिक और प्राणी विज्ञान अगर यहां पे है तो मनोविज्ञान इसके साथ, रसायन विज्ञान साथ में नहीं होगा। तो इस पे चलिए आगे प्रश्न देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान शनिवार को आयोजित हो सकता है? अब देखिए, ये तो हमें पता है कि इतिहास, समाजशास्त्र और भौतिक विज्ञान, यह तीनों किसी से पहले जरूर हुए हैं। अब अगर यह तीनों किसी से पहले जरूर हुए हैं तो इसका मतलब कि यह सबसे अंत में नहीं हो सकते, शनिवार के दिन नहीं हो सकते। तो शनिवार के दिन रसायन विज्ञान हो सकता है या प्राणी विज्ञान हो सकता है या मनोविज्ञान हो सकता है, यानी कि इनमें से कोई भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए। इसके बाद यदि भौतिक विज्ञान पर व्याख्यान बृहस्पतिवार को आयोजित हुआ तो पहले 3 दिन आयोजित होने वाले व्याख्यान निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उल्लेखित करते हैं? तो कहता अगर व्याख्यान अगर भौतिक पे अगर व्याख्यान बृहस्पतिवार को हुआ है तो हमें यह पता है कि भौतिक विज्ञान से जस्ट बाद हुआ के बाद हुआ है प्राणी विज्ञान, तो वह शुक्रवार या शनिवार में हुआ होगा। प्राणी विज्ञान या तो शुक्रवार या शनिवार में हुआ होगा। अच्छा, तो इसके पहले क्या हुआ होगा? इसके पहले 2 तो हमें पता है, इतिहास और समाजशास्त्र। लेकिन इतिहास और समाजशास्त्र साथ, अब भौतिक और प्राणी यहां है, इतिहास समाजशास्त्र के साथ मनोविज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि मनोविज्ञान होगा तो तीनों एक साथ हो जाएंगे, एक ही विषय वाले, जिससे जो कि हमारा 4th ऑप्शन, 4th कथन गलत हो जाएगा। तो पक्का है रसायन विज्ञान पहले हुआ होगा ताकि तीनों साथ ना हुए। अच्छा, अगर रसायन विज्ञान को अगर हम बुधवार को दे देंगे तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और प्राणी विज्ञान भी साथ में हो सकता है, जो कि फिर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमको चाहिए कि रसायन विज्ञान को भी हम ना दे बुधवार पे, तो इसलिए रसायन विज्ञान को हम सोमवार या मंगलवार दे दें और इतिहास समाजशास्त्र से पहले हुआ होगा, यह पक्की बात है। तो इस कंडीशन को अगर देखें तो रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान और इतिहास यह नहीं हो सकता क्योंकि मनोविज्ञान तो बाद में ही होगा। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और इतिहास यह भी नहीं हो सकता क्योंकि वैसे भी हमें पता है समाजशास्त्र भौतिक से पहले ही हुआ है, तो यह भी हट गया। अब बी देखें, रसायन विज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र, हाँ ये हो सकते हैं। इतिहास और समाजशास्त्र बिल्कुल सही है क्योंकि इतिहास समाजशास्त्र से पहले हुआ था, रसायन विज्ञान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और पक्की बात है कि इस प्रश्न के अनुसार अगर बृहस्पतिवार को भौतिक विज्ञान हुआ है तो रसायन विज्ञान बुधवार को ना हुआ हो तो पक्का 4 सारे कथन सही हो सकते हैं। तो बी उत्तर सही। यदि इतिहास का व्याख्यान बुधवार को आयोजित किया गया तो मंगलवार को आयोजित होने वाला व्याख्यान था। इतिहास को अगर बुधवार को किया गया तो इतिहास अगर बुधवार को हो गया वेडनेसडे को, तो थर्सडे को हुआ होगा समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। प्रश्न 21, यदि इतिहास का व्याख्यान बुधवार को आयोजित किया गया तो मंगलवार को आयोजित होने वाला व्याख्यान था। तो अगर इतिहास को बुधवार को किया गया है तो इतिहास अगर बुधवार चला गया हमारे, तो बृहस्पतिवार को हुआ होगा समाजशास्त्र। और जैसा कि हमें पता है कि भौतिक विज्ञान और प्राणी विज्ञान भी इसके बाद में है, तो यानी कि ये चारों एक साथ हुए होंगे। तो हमारे पास सोमवार और मंगलवार क्या हो सकता है? मंगलवार को अगर हम मनोविज्ञान कर दें तो इतिहास और समाजशास्त्र एक साथ, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, विषय जो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मंगलवार को हमें रसायन विज्ञान ही डालना पड़ेगा जिससे कि हमारा सारा कंडीशन बना रहे। इसमें एक चीज और का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रसायन विज्ञान ही करेक्ट है जिससे कि
हमारे पास आंसर आ जाता है ए। समाजशास्त्र व्याख्यान आयोजित हुआ था। समाजशास्त्र व्याख्यान किस दिन आयोजित हुआ था, इससे अगर हम पूरा देखें तो हमें ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट दिन नहीं है, सही तारीख नहीं है, सही दिन नहीं है जिस दिन आयोजित हुआ था। यदि रसायन विज्ञान का व्याख्यान प्राणी विज्ञान के व्याख्यान के बाद आयोजित हुआ तो मनोविज्ञान का व्याख्यान आयोजित हुआ था। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होगा। अगर देखा जाए तो इतिहास, समाजशास्त्र, इसके बाद भौतिक विज्ञान एक साथ आ रहे हैं। इसके बाद प्राणी विज्ञान है, और प्राणी विज्ञान के साथ और भी हो सकता है, लेकिन यहां कहता है कि रसायन विज्ञान का व्याख्यान प्राणी विज्ञान के व्याख्यान के बाद हुआ था। तो इसके बाद अगर रसायन विज्ञान डाले तो यहां प्राणी विज्ञान के साथ हम मनोविज्ञान भी डाल सकते हैं, और मनोविज्ञान अगर यहां डाले तो हमें प्राणी विज्ञान डालना पड़ेगा इस दिन, और उसके बाद डालना पड़ेगा रसायन विज्ञान, तो मनो या रसायन विज्ञान, तो यह हो सकता है। तो इस हिसाब से तो रसायन विज्ञान किस दिन हुआ हो, तो रसायन विज्ञान अगर प्राणी विज्ञान के बाद हुआ है तो मनोविज्ञान किस दिन हो सकता है, या तो बृहस्पतिवार को या तो शुक्रवार को। तो इस हिसाब से ये मनोविज्ञान होगा, माफ, अगर ये प्राणी मनो हो तो यहां पे रसायन हो जाएगा। तो इसलिए या तो ए या तो सी। एन विद्यार्थी जो एक से एन तक की संख्या वाली टी शर्ट पहने हुए है एक वृत्ताकार मेज की चारों ओर अपने टी शर्ट संख्या के क्रम में बैठे हैं, जिससे कि विद्यार्थियों के प्रत्येक युग्म जो एक दूसरे के बगल में बैठे हैं के मध्य दूरी बराबर है। यदि 8 नंबर की टी शर्ट पहने वाला विद्यार्थी 20 नंबर की टी शर्ट पहने विद्यार्थी के ठीक सामने बैठा है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर देखें तो 8 नंबर की टी शर्ट पहनने वाला 20 के, इन दोनों विद्यार्थियों के बीच की संख्या हुई 11, तो अगर देखा जाए तो क्या होगा, 11 एक तरफ, 11 दूसरी तरफ और 2 ये, तो इस हिसाब से 11 गुणे 2 और धन 2 यानी कि 24 संख्या आएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी लेखकों को विचारों की आवश्यकता होती है, प्रेरणा विचार प्रदान करती है, प्रेरणास्पद पुस्तकों को पाठक पसंद करते हैं, प्रेरणास्पद पुस्तकें सर्वाधिक लोकप्रिय होती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो यहां देखें तो पहले दो कथनों को देखें तो कहता है कि सभी लेखकों को विचार की आवश्यकता होती है तथा विचार प्रेरणा से मिलते हैं, किंतु एकमात्र प्रेरणा ही विचार का सूत्र है इस बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो सभी लेखकों को प्रेरणा की आवश्यकता होती है, तो सभी लेखकों को विचारों की आवश्यकता होती है यह दिया है, प्रेरणा विचार प्रदान करती है, प्रेरणा सब पुस्तकों को पाठक पसंद करते हैं, प्रेरणा सब पुस्तकें सर्वाधिक लोकप्रिय होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सभी लेखकों को प्रेरणा की आवश्यकता होती है इस बारे में यह नहीं कहा गया है। प्रेरणा के अतिरिक्त अन्य किसी के विचारों की प्राप्ति नहीं होती है, प्रेरणा के अतिरिक्त किसी अन्य से विचारों की प्राप्ति नहीं होती है, क्या इस बारे में फिर से देख सकते हैं, प्रेरणा विचार प्रदान करती है, प्रेरणा में विचार प्रदान करती है, प्रेरणा के अतिरिक्त अन्य किसी से विचारों की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये भी नहीं कह सकते, ये तो हुआ कि सिर्फ प्रेरणा ही दे सकती है विचार, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकांश लेखक प्रेरणास्पद पुस्तकों की रचना करते हैं, अधिकांश लेखक प्रेरणास्पद, ये बिल्कुल ही इस तरह से कहीं से नहीं बैठता है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। पाठकों द्वारा प्रेरणास्पद पुस्तकों को वरीयता दी जाती है, प्रेरणास्पद पुस्तकों को पाठक पसंद करते हैं यानी कि उन्हें ज्यादा लोकप्रिय रहते हैं, पसंद सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैं, तो इन दोनों के हिसाब से उन्हें पक्का ऊपर लेवल पे, अच्छे लेवल पे वरीयता दी जाती होगी, तभी उन्हें पसंद किया जाता है और वे लोकप्रिय रहती है। वरीयता जब तक नहीं मिलेगी तब तक उनकी लोकप्रियता उन्हें नहीं मिल पाएगी ज्यादा, तो इसलिए यह हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिर्फ प्रसिद्ध ही मीडिया को आकर्षित कर पाते हैं, सिर्फ प्रसिद्ध ही मीडिया को आकर्षित कर पाते हैं, कुछ जो मीडिया को आकर्षित करते हैं उन्हें अवांछनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ लोग जो मीडिया की वजह से अवांछनीय परिस्थितियों का सामना करते हैं वे प्रसिद्ध होने की भारी कीमत चुकाते हैं। तीनों देखिए थोड़ा सा सर्कुलर हो जाता है, थोड़ा सा आपस में कंफ्यूजिंग हो जाता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सभी प्रसिद्ध को मीडिया कवरेज देती है, सभी प्रसिद्ध को मीडिया कवरेज देती है। तो अब पहला पहला कथन अगर आप पढ़े तो कहता है प्रसिद्ध लोग ही मीडिया को आकर्षित करते हैं, यानी कि क्या ये कह दे कि सभी मीडिया, सभी प्रसिद्ध को मीडिया कवरेज देती है, प्रसिद्ध ही मीडिया को आकर्षित करते हैं, तो मीडिया उन्हें कवरेज देती है, इस तरह से हम ये सीधे नहीं निकाल सकते निष्कर्ष, तो जिससे पहला वाला स्टेटमेंट हमारे सामने गलत होता है। वे जो मीडिया को आकर्षित करते हैं वो को अवांछनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ जो मीडिया को आकर्षित करते हैं उन्हें अवांछनीय
परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हर कोई नहीं। तो इसलिए यह तो बी स्टेटमेंट कथन दो के अनुसार सीधे सीधे गलत है। सभी को प्रसिद्धों को प्रसिद्ध होने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर से कुछ लोगों को मीडिया की वजह से अवांछनीय परिस्थितियों का सामना करते हैं, वे प्रसिद्ध होने की भारी कीमत चुकाते हैं। सभी को तो ये अपने आप गलत हो जाता है। वे सभी जो मीडिया को आकर्षित करते हैं प्रसिद्ध होते हैं, यहां पे उल्टा कहा जाता है। सिर्फ प्रसिद्ध ही मीडिया को आकर्षित करते हैं, उल्टा यानी कि जो मीडिया को आकर्षित करते हैं वे प्रसिद्ध होते हैं। तो डी ऑप्शन सीधा सीधा यहां पे हमें तरीका दे देता है। पी क्यू से छोटा नहीं है, तो यानी पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, यानी बड़ा है या बराबर है। एस आर से छोटा नहीं है, यानी कि एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। क्यू आर से लंबा है, अब अगर क्यू आर से लंबा है और पी भी पी क्यू से लंबा है तो इससे हम क्या निकाला जा सकता है कि क्यू इज ग्रेटर देन आर, और पी और एस इस वजह से कहां है इस बारे में नहीं कहा जा सकता। पी क्यू से बड़ा या बराबर पी है, और इसी तरीके से एस बड़ा या बराबर, बड़ा है क्यू से क्योंकि एस आर से, एस से बड़ा और बराबर है, और क्यू आर से बड़ा है, एस यहां पे भी हो सकता है। तो इसलिए ये हमारे पास कथन से हमारे पास ये सारी चीजें आती हैं। तो इस हिसाब से उपरोक्त कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पी क्यू से लंबा है, नहीं बराबर भी हो सकता है इसलिए ये नहीं निकाला जा सकता। क्यू ना ही लंबा है और ना ही एस से छोटा है, ऐसा क्यू के, क्यू और एस के बारे में इस तरह से हमें कोई रिलेशन ही नहीं दिया तो इसलिए ये भी नहीं निकाला जा सकता। एस आर से लंबा है, एस आर से लंबा है, एस आर के बराबर भी हो सकता है क्योंकि इस हिसाब से एस आर के बराबर भी हो सकता है, यहां पे एस को आ जाना चाहिए और एस और क्यू के बारे में नहीं पता। आर पी से छोटा है, आर पक्का पी से छोटा है क्योंकि आर क्यू से छोटा है और क्यू या तो पी के बराबर है और पी से छोटा है, तो यानी कि आर या तो पी से छोटा है, आर पक्का ही पी से छोटा है क्योंकि वह क्यू से भी छोटा है। तो इसलिए 27वां प्रश्न हमारा सही, डी ऑप्शन हमारा सही। यहां हमारे पास अगले 15 प्रश्न तीन परिच्छेदों में दिए हुए हैं। देखते हैं पहला परिच्छेद शिक्षा की उपयोगिता के बारे में है। शिक्षा हमारे हमारे किस तरह से मददगार है और शिक्षा के बाकी विश्लेषण चीजें दी हुई हैं। परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें, अच्छा परिच्छेद है और प्रश्न इसके बाद बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से किए जा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछता है उच्च शिक्षा अधिकांश लोगों द्वारा अनिवार्य मानी जाती है, फिर भी क्या कारण है कि लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत नहीं है। अगर ये देखा जाए प्रश्न पूछ रहा है कि क्या कारण है कि लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत नहीं है, उसके पहले उच्च शिक्षा अधिकांश लोगों द्वारा अनिवार्य मानी जाती है। इसके लिए अगर देखें तो हमारे पास सीधा सीधा जो है हमारे पास परिच्छेद में सीधे स्तर पर दिया हुआ है, कहता है कि समाज में यद्यपि अधिकांश लोग शिक्षा को अनिवार्य मानते हैं लेकिन वे इसका उपयोग किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति या व्यक्तिगत उपलब्धि हेतु करते हैं, ना कि उच्च शिक्षा की इच्छा के कारण। तो अगर हम यहां पे देखें कि उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत नहीं है तो हमारे पास दिए हुए विकल्पों में स्वसंदेह उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने से रोकता है। इस बारे में अगर हम इसको कहें कि फिर से प्रश्न देखिएगा, क्या कारण है कि लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत नहीं है, क्या ये कारण है कि स्वसंदेह उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने से रोकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं अनुसरित कर सकते हैं। समाज और ज्ञान को दो भागों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे इसका कोई मतलब, इससे इसके बारे में समाज और शिक्षा के महत्व बारे में किया जा सकता है लेकिन क्या इससे रिलेट किया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। शिक्षा का उपयोग किसी विशिष्ट लक्ष्य प्राप्ति हेतु साधन रूप में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जिस हमें कथन हमें परिच्छेद सीधे कहता है कि शिक्षा का उपयोग किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति या व्यक्तिगत उपलब्धि हेतु करते हैं ना कि उच्च शिक्षा की इच्छा के कारण, तो इससे अगर हम ऐसे डी ऑप्शन पे, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा पर्याप्त ज्ञान अर्जन करता है, इसका दिए हुए प्रश्न से कोई मेल ही नहीं खाता तो इसलिए इसको भी हटा सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास सही उत्तर हुआ। हमें यह कैसे पता चलता है कि मस्तिष्क में अधिक सीखने की क्षमता होती है। अब इसके बारे में अगर देखें तो हमारे पास अगर हमको एक बार अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करें परिच्छेद पे, तो परिच्छेद कहता है जब हम सक्रिय रूप से सीख नहीं रहे होते, हमारा मस्तिष्क किसी नई सूचना पर कार्य कर रहा होता है या किसी विषय को विशेष बनाने वाले समानताओं या भिन्नताओं के विश्लेषण हेतु प्रयासरत होता है। तो
ये जो इतनी लंबी हमारे पास एक पंक्ति दी हुई है, यह हमें बताती, यह हमें इस प्रश्न से संबंध देती है कि मस्तिष्क में अधिक सीखने की क्षमता होती है, या कैसे पता चलता है, उस पंक्ति द्वारा पता चलता है। तो उस पंक्ति द्वारा हम इसमें से क्या अनुसरित कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो मस्तिष्क किसी भी विषय की भिन्नताओं और समानताओं का विश्लेषण तब भी करती है जब हम सीख नहीं रहे होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि मस्तिष्क अधिक सीखने की क्षमता है। अगर बाकी देखें तो पहला विकल्प कहता है हम वही करते हैं जो हम अवलोकन और समन्वय द्वारा जो हमें सीखा होता है। तो किस प्रकार हमारे सभी कार्यों का आधार होता है, यह मतलब यह व्याख्या करता है। इस बारे में हम ये इसलिए इससे नहीं रिलेट कर सकते। बेहतरीन शिक्षा की प्राप्ति हमें परिवेश के प्रति अधिक जागरूक बनाती है। अलग फिर से वही बात कि मस्तिष्क के अधिक सीखने की क्षमता हमें चाहिए, हमें किसी और रीजन के लिए नहीं चाहिए। सामाजिक, आर्थिक तथा भावनात्मक दबाव मस्तिष्क को उसकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने से रोकते हैं। फिर से वही, क्योंकि हमें प्रश्न चाहिए कि मस्तिष्क में अधिक सीखने की क्षमता होती है, यह हमें कैसे पता चलता है। इन यह थोड़े अनरिलेटेड है, उससे बिल्कुल मेल नहीं खाते, तो इसलिए जो है हमारे पास बी ऑप्शन सही उत्तर होता है। अच्छी शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है, क्यों? अगर हम देखें, अगर हम वापस परिच्छेद पे जाएं तो हमें इस चीज का पता चलेगा। परिच्छेद में अगर हम लास्ट लाइन की तरफ आप जाते हैं तो वहां पे कुछ डिटेल दी हुई है। वो कहता है कि बेहतर शिक्षा की प्राप्ति आपको किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम बनाती है। तो अगर ये अगर इस पंक्ति को देखा जाए तो यह पंक्ति हमें इस प्रश्न का उत्तर देती है। अच्छी शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है, क्यों? यह पारंपरिक सीमाओं से परे ले जाती है। क्या? पारंपरिक सीमाओं से परे ले जाती है, इसीलिए हमारी यही आवश्यक है। तो इसलिए यह संदर्भ में नहीं है, इससे मेल नहीं खाता है, तो ए ऑप्शन हमारे लिए अपने आप गलत हो जाता है। हमारा मस्तिष्क सदैव सूचनाओं पर कार्य करता है, सदैव सूचनाओं पर कार्य करता है, लेकिन क्या यह इस बात को बताता है कि हमारी शिक्षा अच्छी शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। अनरिलेटेड है, संदर्भ में नहीं है। यह हमें नियमों तथा विनियमों के परिपालन में मदद करती है, मदद करती है, लेकिन क्या हमें इस बारे में परिच्छेद में कहीं इस बारे में कहा गया है? परिच्छेद में इस चीज का कोई संदर्भ नहीं है। यह हमें किसी भी परिस्थिति में स्वावलंबी बनाती है। हाँ, इस बारे में परिच्छेद कहता है कि हमें कई माहौल में निपटने की शक्ति देती है। आते हैं परिच्छेद दो पे, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा, और प्रश्न भी ज्यादा है, जरूरी होता है। ऐसे छह छह प्रश्न वाले अगर आ जाते हैं एक भी परिच्छेद, तो उसमें जरूरी होता है कि आप अच्छे से ध्यान दें। मोनसेंटो ने भारत में तृणनाशक प्रतिरोधी मक्का प्रजाति लाने का निर्णय क्यों लिया? अब अगर देखें तो दूसरा पैराग्राफ में आपको जाना होगा। अगर दूसरे परिच्छेद में जाते हैं, दूसरे परिच्छेद के दूसरे अनुच्छेद में जाते हैं, तो कहता है कि तृणनाशक प्रतिरोधी क्षमता किसानों के बजाय कंपनी के लिए लाभदायक रणनीति है। इसके द्वारा मोनसेंटो को दोगुना फायदा है, पहला बीजों का और दूसरा तृणनाशक का। तो एक तरह से एक ऐसी कंपनी, ऐसे प्रोडक्ट की बिक्री कर रही है जिससे दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, और इस वजह से दोनों की जरूरत हो किसानों को खरीदने के लिए। तो ये क्यों आखिर आ गया कि इससे मोनसेंटो को ज्यादा लाभ होगा, और साफ तौर पे मोनसेंटो की आर्थिक वृद्धि इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मक्का के सामित में अन्य फसलों का नाश करना बिल्कुल नहीं, इस तरह का कहीं भी संदर्भ में नहीं आता है, और ना कहीं ऐसा मेल खाता है परिच्छेद से। प्राकृतिक परिस्थितियों में मोनसेंटो को परीक्षण हेतु स्वीकृति देने, या इस वजह से मोनसेंटो ने भारत में तृणनाशक प्रतिरोधी मक्का प्रजाति लाने का निर्णय किया, बिल्कुल भी नहीं, इससे रिलेटेड नहीं होता है। मोनसेंटो को वैश्विक रूप से पेटेंट को मान्यता दिलाना, फिर से आगे आते हैं कि इससे इसका नहीं मेल खाता, सीधे आर्थिक लाभ था जिसकी वजह से उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राउंड अप रेडी मक्का प्रजाति की भारत में अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि देश तृणनाशक प्रतिरोधी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। क्या इस बारे में हमें दिया हुआ है? अगर कहीं इसका देखा जाए तो सही उल्लेख है नहीं इसमें। इसका देखा जाए तो इसमें कहीं उल्लेख है नहीं कि राउंड अप मक्का प्रजाति की भारत में अत्यधिक आवश्यकता है, और भारत की आवश्यकता के बारे में हमें परिच्छेद ने बिल्कुल नहीं बताया। औद्योगिक देशों में कृषि के मशीनीकरण ने खरपतवार नियंत्रण की समस्या को जन्म दिया। बिल्कुल, देखिए अगर हम आते हैं यहाँ इस वाले
अनुच्छेद पे, जहां पे फसलों के कीटनाशक, आपके सामने फसलों के कीटनाशक प्रतिरोधी क्षमता के गुण का विकास औद्योगिक देशों में कृषि की समस्या के समाधान के रूप में किया गया है, जहां कृषि करने हेतु मजदूरों की उपलब्धता ना के बराबर है, खेती हेतु मात्र 2 से 5% तक की जनसंख्या की उपलब्ध के कृषि अधिकांशता मशीनीकृत है, खरपतवार नियंत्रण अथवा हाथों से संभव नहीं है, खरपतवार नियंत्रण इन देशों में सामान्यतः हवा में छिड़काव से होता है जो कि अपव्यय और पारिस्थितिक रूप से नाशकारी होता है। तो इस पूरे यहाँ पे औद्योगिक देशों में जो खरपतवार की दिक्कत है और वहाँ पे जो अनुपलब्धता है मजदूरों की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम ही जनसंख्या का हिस्सा है जो कि इस जो कि खेती में लगा हुआ है, बाकी इसीलिए कृषि अधिकांशता मशीनीकृत है और मशीनीकृत होने की वजह से वहाँ पे खरपतवार की दिक्कत है। तो औद्योगिक देशों में कृषि के मशीनीकरण ने खरपतवार नियंत्रण की समस्या को जन्म दिया है। अनुवांशिक परिचालन सर्वेक्षण समिति एक भ्रष्ट संस्था है। क्या वो एक भ्रष्ट संस्था है? इस बारे में अगर देखा जाए तो कहीं इस बारे में दिया ही नहीं गया है, इसलिए परिच्छेद के अनुसार यह बिल्कुल सही नहीं है, तो केवल दूसरा कथन इसमें सही माना जा सकता है। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किसे खरपतवार की श्रेणी में रखा जा सकता है? इनमें से किसे खरपतवार की श्रेणी में रखा जा सकता है? अगर देखा जाए तो खरपतवार की श्रेणी में तो हमें कई सारे जो है इसमें डिटेल दिए हुए हैं। अगर शुरू में देखा जाए तो कहता है, अनुच्छेद कहता है कि जिस खेत में राउंडअप रेडी मक्का उगाया जाएगा उसी खेत में उगने वाले अन्य पौधे नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से अन्य फसलें जो उसी खेत में है जिसमें राउंडअप मक्का भी बोया गया है वहां पे, तो इसलिए हमारे पास ये प्रश्न आता है, ये कीट प्रतिरोधी बीटी कपास इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता, मक्का की कीटाणुनाशक प्रतिरोधी किस्म बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित किसे खरपतवार की श्रेणी में रखा जा सकता है? किसे? अन्य फसलें जो उसी खेत में है जिसमें राउंडअप मक्का बोया गया, क्योंकि राउंडअप मक्का बोने से उसी खेत में उगने वाले अन्य पौधे नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए वे खरपतवार श्रेणी में आ जाएंगे। तो अपने आप उपरोक्त सभी अपने आप ही गलत हो जाता है, तो हमारे पास बचता है ए ऑप्शन। जीएम फसलों में तृणनाशक प्रतिरोधी क्षमता एकमात्र प्रचलित विशेषता क्यों? अब कहता है कि जीएम फसलों में तृणनाशक प्रतिरोधी क्षमता एकमात्र प्रचलित विशेषता क्यों है? तो इस पे जरा डिटेल देखें। तो इस विशेषता का विकास विकासशील देशों में कृषि की समस्या में समाधान हेतु किया गया है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? बल्कि अगर देखा जाए तो हमें परिच्छेद कहता है कि वह औद्योगिक देशों में किया गया था, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के लिए किया था, डेवलपिंग के लिए नहीं किया गया था। खरपतवार की अनियंत्रित उपज वैश्विक परिघटना है। इस बारे में परिच्छेद कहीं कुछ नहीं कहता, तो हम नहीं कह सकते कि वो वैश्विक परिघटना है। मोनसेंटो विश्व भर में कीटनाशक प्रतिरोधी फसलों का विज्ञापन कर रहा है, परिच्छेद कहीं इस बारे में नहीं कहता, तो हम सीधे इसको कहीं से भी अनुसरित नहीं कर सकते। कीटनाशकों का छिड़काव खरपतवार के नियंत्रण हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है। फिर से ध्यान दिए, कीटनाशकों का छिड़काव खरपतवार नियंत्रण हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है। तो अगर देखा जाए तो क्या ऐसा है? बल्कि अगर देखा जाए तो हमें परिच्छेद कहता है कि वह औद्योगिक देशों में किया गया था, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के लिए किया था, डेवलपिंग के लिए नहीं किया गया था। खरपतवार की अनियंत्रित उपज वैश्विक परिघटना है। इस बारे में परिच्छेद कहीं कुछ नहीं कहता, तो हम नहीं कह सकते कि वो वैश्विक परिघटना है। मोनसेंटो विश्व भर में कीटनाशक प्रतिरोधी फसलों का विज्ञापन कर रहा है, परिच्छेद कहीं इस बारे में नहीं कहता, तो हम सीधे इसको कहीं से भी अनुसरित नहीं कर सकते। कीटनाशकों का छिड़काव खरपतवार के नियंत्रण हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है। फिर से ध्यान दिए, कीटनाशकों का छिड़काव खरपतवार नियंत्रण हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है। तो अगर देखा जाए तो अगर दूसरे परिच्छेद के दूसरे अनुच्छेद में जाते हैं तो कहता है कि कीटनाशक प्रतिरोधी क्षमता किसानों के बजाय कंपनी के लिए लाभदायक रणनीति है। इसके द्वारा मोनसेंटो को दोगुना फायदा है, पहला बीजों का और दूसरा कीटनाशक का। तो एक तरह से एक ऐसी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट की बिक्री कर रही है जिससे दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो और इस वजह से दोनों की जरूरत हो किसानों को खरीदने के लिए। तो ये क्यों आखिर आ गया कि इससे मोनसेंटो को ज्यादा लाभ होगा
और साफ तौर पे मोनसेंटो की आर्थिक वृद्धि इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मक्का के सामित में अन्य फसलों का नाश करना बिल्कुल नहीं, इस तरह का कहीं भी संदर्भ में नहीं आता है और ना कहीं ऐसा मेल खाता है परिच्छेद से। प्राकृतिक परिस्थितियों में मोनसेंटो को परीक्षण हेतु स्वीकृति देनी है। इस वजह से मोनसेंटो ने भारत में त्रिनाशक प्रतिरोधी मक्का प्रजाति लाए जाने का निर्णय किया, बिल्कुल भी नहीं, इससे रिलेटेड नहीं होता है। मोनसेंटो को वैश्विक रूप से पेटेंट को मान्यता दिलाना, फिर से आगे आते हैं कि इससे इसका नहीं मेल खाता, सीधे आर्थिक लाभ था जिसकी वजह से उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राउंड अप रेडी मक्का प्रजाति की भारत में अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि देश कीटनाशक प्रतिरोधी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। क्या इस बारे में हमें दिया हुआ है? अगर कहीं इसका देखा जाए तो सही उल्लेख है नहीं इसमें। इसका देखा जाए तो इसमें कहीं उल्लेख है नहीं कि राउंड अप मक्का प्रजाति की भारत में अत्यधिक आवश्यकता है, और भारत की आवश्यकता के बारे में हमें परिच्छेद ने बिल्कुल नहीं बताया। औद्योगिक देशों में कृषि के मशीनीकरण ने खरपतवार नियंत्रण की समस्या को जन्म दिया। बिल्कुल, देखिए अगर हम आते हैं यहाँ इस वाले हमारे इस वाले अनुच्छेद पे, जहां पे फसलों के तृणनाशक आपके सामने, फसलों के तृणनाशक प्रतिरोधी क्षमता के गुण का विकास औद्योगिक देशों में कृषि की समस्या के समाधान के रूप में किया गया है, जहां कृषि करने हेतु मजदूरों की उपलब्धता ना के बराबर है, खेती हेतु मात्र 2 से 5 दिन तक की जनसंख्या के उपलब्ध के कृषि अधिकांशता मशीनीकृत है, खरपतवार नियंत्रण अथवा हाथों से संभव नहीं है। खरपतवार नियंत्रण इन देशों में सामान्यतः हवा में छिड़काव से होता है, जो कि अपव्यय और पारिस्थितिक रूप से नाशकारी होता है। तो इस पूरे यहाँ पे औद्योगिक देशों में जो खरपतवार की दिक्कत है और वहाँ पे जो अनुपलब्धता है मजदूरों की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम ही जनसंख्या का हिस्सा है जो कि खेती में लगा हुआ है, बाकी इसीलिए कृषि अधिकांशता मशीनीकृत है और मशीनीकृत होने की वजह से वहाँ पे खरपतवार की दिक्कत है। तो औद्योगिक देशों में कृषि के मशीनीकरण ने खरपतवार नियंत्रण की समस्या को जन्म दिया है। अनुवांशिक परिचालन सर्वेक्षण समिति एक भ्रष्ट संस्था है। क्या वो एक भ्रष्ट संस्था है? इस बारे में अगर देखा जाए तो कहीं इस बारे में दिया ही नहीं गया है, इसलिए परिच्छेद के अनुसार यह बिल्कुल सही नहीं है। तो केवल दूसरा कथन इसमें सही माना जा सकता है। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किसे खरपतवार की श्रेणी में रखा जा सकता है? इनमें से किसे खरपतवार की श्रेणी में रखा जा सकता है? अगर देखा जाए तो खरपतवार की श्रेणी में तो हमें कई सारे जो है इसमें डिटेल दिए हुए हैं। अगर शुरू में देखा जाए तो कहता है, अनुच्छेद कहता है कि जिस खेत में राउंड अप रेडी मक्का उगाया जाएगा उसी खेत में उगने वाले अन्य पौधे नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से अन्य फसलें जो उसी खेत में है जिसमें राउंड अप मक्का भी बोया गया है, वहां पे तो इसलिए हमारे पास ये प्रश्न आता है, ये कीट प्रतिरोधी बीटी कपास इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता, मक्का की कीटाणुनाशक प्रतिरोधी किस्म बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित किसे खरपतवार की श्रेणी में रखा जा सकता है? किसे? अन्य फसलें जो उसी खेत में है जिसमें राउंड अप मक्का बोया गया, क्योंकि राउंड अप मक्का बोने से उसी खेत में उगने वाले अन्य पौधे नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए वे खरपतवार श्रेणी में आ जाएंगे। तो अपने आप उपरोक्त सभी अपने आप ही गलत हो जाता है, तो हमारे पास बचता है ए ऑप्शन। जीएम फसलों में तृणनाशक प्रतिरोधी क्षमता एकमात्र प्रचलित विशेषता क्यों? अब कहता है कि जीएम फसलों में तृणनाशक प्रतिरोधी क्षमता एकमात्र प्रचलित विशेषता क्यों है? तो इस पे जरा डिटेल देखें। तो इस विशेषता का विकास विकासशील देशों में कृषि की समस्या में समाधान हेतु किया गया है। क्या ऐसा है? बल्कि अगर देखा जाए तो हमें परिच्छेद कहता है कि वह औद्योगिक देशों में किया गया था, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के लिए किया था, डेवलपिंग के लिए नहीं किया गया था। खरपतवार के अनियंत्रित उपज वैश्विक परिघटना है। इस बारे में परिच्छेद कहीं कुछ नहीं कहता, तो हम नहीं कह सकते कि वह वैश्विक परिघटना है। मोनसेंटो विश्व भर में त्रिनाशक प्रतिरोधी फसलों का विज्ञापन कर रहा है, परिच्छेद कहीं इस बारे में नहीं कहता, तो हम सीधे इसको कहीं से भी अनुसरित नहीं कर सकते। त्रिनाशकों का छिड़काव खरपतवार के नियंत्रण हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है। फिर से ध्यान दिए, त्रिनाशकों का छिड़काव खरपतवार नियंत्रण हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है। तो अगर देखा जाए तो
जीएम फसलों में त्रिनाशक प्रतिरोधी क्षमता एकमात्र प्रचलित विशेषता क्यों है? तो अब अगला प्रश्न है हमारा ये, जीएम फसलों जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में त्रिनाशक प्रतिरोधी क्षमता एकमात्र प्रचलित विशेषता क्यों है? इस विशेषता का विकास विकासशील देशों में कृषि की समस्या के समाधान हेतु किया गया। क्या ऐसा सही है बल्कि उसे औद्योगिक देशों में किया गया? सीधे से गलत है ये। खरपतवार की अनियंत्रित उपज वैश्विक परिघटना है, क्या इस बारे में यह बताता है? तो बिल्कुल, परिच्छेद के अनुसार इस बारे में कोई हमारे पास तथ्य है नहीं। कीटनाशकों का छिड़काव खरपतवार के नियंत्रण हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है। सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है, क्या इस बारे में कहता है? बल्कि छिड़काव की वजह से जो खरपतवार की दिक्कत है औद्योगिक देशों में, उस बारे में दिया गया हुआ है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका तो दूर दूर तक नहीं है, तो ये सीधे सीधे गलत होता है। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन सी, मोनसेंटो विश्वभर में कीटनाशक प्रतिरोधी फसलों का विज्ञापन कर रहा है। तो बल्कि ये देखा जा सकता है, जैसा कि मोनसेंटो ने अपनी फसल की विश्व भर में बिक्री को प्रोत्साहित किया है, और कीटनाशक प्रतिरोधी क्षमता जीएम फसलों की बुआई हेतु सबसे विशिष्ट आवश्यकता बन गई है। तो इससे जो है यह बात कथन सी हमारा सही ठहराया जाता है। विकासशील देशों का परितंत्र राउंडअप रेडी मक्का के आने से किस प्रकार प्रभावित होगा? तो अगर देखा जाए तो यह प्राकृतिक वनस्पतियों तथा घरेलू फसलों के मध्य सीमाओं को कमजोर कर देगा। अगर देखा जाए तो इस बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। यह अपने नजदीक पेड़ पौधों की विविधता को बुरी तरह प्रभावित करेगा। बिल्कुल शुरू में, जैसे कि पहले ही अनुच्छेद में यह चीज सीधे है कि वह अपने नजदीक पेड़ पौधों की विविधता को बुरी तरह प्रभावित करेगा। आसपास की प्रकृति वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप खेतों में उपस्थित वनस्पतिक जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए यह सही है। यह अपने नजदीकी फसलों में कीटनाशक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। बिल्कुल इस तरह का कहीं से वैधता नहीं दिखती है, कहीं अनुसरित नहीं किया जा सकता है, कहीं इस बारे में उल्लेख नहीं है। यह मृदा को दूषित कर देगा, जिसके कारण अन्य फसलों की बढ़ने की गति धीमी पड़ जाएगी। फिर से इस बारे में कथन कुछ नहीं कहता, तो इसलिए अनुसरित नहीं किया जा सकता। देश में नई प्रकार की फसलों के लाने के क्या कारण है? तो देश में नई, अगर इसको देखा जाए तो शुरू में अगर देखा जाए तो उसमें पहले ही हमारे अनुच्छेद में यह डिटेल दिया हुआ है। सरकार की अनुवांशिक परिचालन सर्वेक्षण समिति ने मोनसेंटो की प्रजनन सामग्री लाने अपना कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद राउंडअप रेडी कॉर्न एक तृणनाशक प्रतिरोधी मक्का की प्रजाति है, जो कि भारतीय किसान को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देती, और ना ही उत्पादन संबंधी, ना ही रोगों से संरक्षण, ना ही लवण मृदा के प्रति प्रतिरोध क्षमता, ना ही सूखे से छुटकारा, और ना ही फसल की गुणवत्ता में कोई सुधार। ये कुछ कारण हैं जिनके समाधान हेतु नई प्रजातियों को लाया जाता है। तो इन कारणों से लाया जाता है, तो हम देखते हैं कौन कौन से कारण हैं जो कि हमें इस बारे में दिए गए हैं। तो इस ये पढ़ के अपने आपको दिख जाएगा, लवण मृदा अवस्था खराब प्रतिरोधी क्षमता और फफूंद संक्रमण से बचाव, जिस और स्वदेशी फसलों के साथ संकर कर पाने की क्षमता, यह कहीं पे भी नहीं मेंशन्ड है इससे। इसलिए हमारे पास दूसरा और तीसरा कथन सही है, जिससे सी विकल्प सही ठहराया जा सकता है। परिच्छेद तीसरा, आर्थिक असमानताएं ओईसीडी देशों में, इसके बारे में है। देखिए, आजकल यूरो संकट की वजह से हमें पता है कि ओईसीडी देशों में इस तरह की संकट आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में चाहकर, भारत एओईसीडी देशों का सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि प्रारंभ में यहां आय असमानताएं अधिक थी। क्या इस वजह से नहीं है? बिल्कुल नहीं, इस बारे में कुछ नहीं, बल्कि इस बारे में इस तरह का कोई कथन दिया भी नहीं गया है दिए हुए परिच्छेद में। यदि भी 11 ओईसीडी देशों में गरीबी में कमी आई, किंतु यहाँ उच्च आय असमानताएं अभी भी है। यह भारत और चीन के बारे में कहा गया है, बाकी ओईसीडी सारे गैर ओईसीडी देशों के लिए नहीं। तो इसलिए पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। तो क्या नहीं किए जा सकते? दोनों के दोनों नहीं किए जा सकते, निष्कर्षित। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सभी 33 ओईसीडी देशों में 10% सर्वाधिक गरीब की आय का अनुपात 10% सर्वाधिक धनी की आय पर 6 वर्ष 2010 में 0.5 बढ़ा। फिर से ध्यान दीजिए कि क्या इस सभी ओईसीडी देशों में, सभी 33 में ऐसे कहा जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां पे हमारे पास चुनिंदा
उदाहरण दिए हुए हैं। कल्याण समूहों ने OECD देशों में अमीरों पिछले 5 वर्षों में तथा गरीबों के मध्य बढ़ते अंतर को घटाने की बड़ी भूमिका निभाई है। अगर देखा जाए तो कल्याणकारी कार्यक्रमों से धनी तथा निर्धन के बीच बढ़ती गाय को मिटाने में केवल थोड़ी सहायता मिली है, तो बड़ी भूमिका निभाई है इस बारे में, फिर इस वजह से या फिर कथन गलत हो जाता है, जिससे हमारे पास सी ऑप्शन सही रह जाता है। उपरोक्त परिच्छेद के अनुसार OECD देशों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या निश्चित रूप से कहा जा सकता है? अब यहाँ पे सभी देशों में आय असमानता ने सर्वाधिक OECD देशों को प्रभावित किया है। सभी देशों में आय असमानता ने सर्वाधिक OECD देशों को प्रभावित किया है, तो फिर से देखा जाए विकल्प ए गलत है, क्योंकि दिए गए कथन के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए यह आय असमानता ने सर्वाधिक OECD देशों को प्रभावित किया बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। OECD देशों की स्थिति 2010 की अपेक्षा 2007 में बेहतर थी। अगर देखा जाए तो यहां कहता है कि आर्थिक विषमता तथा आय में असमानता के बारे में ज्यादा बोला गया है, और इसी आधार पर क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2010 की तुलना में 2007 की में OECD देशों की स्थिति अच्छी थी? ऐसा इस बारे में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो एक दोनों के बीच कंपैरिजन है वो इस तरह का नहीं, वो इसलिए इस पे नहीं है कि देशों की स्थिति बेहतर है, जबकि असमानता पे है सिर्फ। विकल्प सी, कुछ गैर OECD देशों ने आय असमानताओं के संबंध में OECD देशों की अपेक्षा आर्थिक संकट का बेहतर तरीके से सामना किया है, बिल्कुल दिया है। भारत और चीन का अच्छे से यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, तो इसलिए कुछ गैर OECD देशों ने सच में किया अच्छे से। आय वितरण में सर्वाधिक अंतर यूरोजोन संकट से प्रभावित देशों में है। आय वितरण में सर्वाधिक अंतर यूरोजोन संकट से प्रभावित देशों में है, क्या इस बारे में आगे कहा जा सकता है? बल्कि कहे देखे तो यूरोजोन संकट से ग्रस्त देशों में असमानता की खाई तेजी से बढ़ी है, और इससे यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि इन देशों में अंतर सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक अंतर यहां पे है यह नहीं कहा जा सकता, बड़ी जरूर है। तो सी विकल्प हमारे पास सही। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिच्छेद में प्रदत्त आय असमानता का संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? फिर से ध्यान दीजिए, प्रदत्त आय असमानता का संपूर्ण साक्ष्य। तो आय असमानता के बारे में अगर देखें, OECD देशों में सर्वाधिक असमानता चिली और इजराइल में है, बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि चिली और इजराइल 6वें नंबर पे आ रहा है बिल्कुल। आय असमानता के स्तर में 3/4 OECD देशों में वर्ष 2007 की अपेक्षा गिरावट आई है, तो बल्कि देखा जाए तो विकल्प बी आर्थिक वृद्धि दर की बात कहता है, जो कि परिच्छेद में अनुसार आय में असमानता से संबंधित नहीं है। वर्ष 2010 में सभी 33 OECD देशों की 10% सर्वाधिक धनी जनसंख्या ने 10% सर्वाधिक गरीब जनसंख्या की अपेक्षा 9.5 गुना अधिक आय अर्जित की है। सीधे सीधे हमारे पास परिच्छेद में दिया हुआ है, इसलिए बिल्कुल सही है, सीधा सीधा कथन है, आसान है। स्पेन तथा इटली में पिछले 5 वर्षों में गरीब अधिक गरीब होते गए हैं, इस बारे में कुछ डायरेक्ट नहीं कहा गया कि स्पेन और इटली में ऐसा हुआ है, जबकि निर्धनों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन स्पेन और इटली के बारे में ऐसा कुछ डायरेक्टली या साफ तौर पर नहीं कहा गया। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्ष 2010 में आय असमानता इजराइल की अपेक्षा तुर्की में अधिक थी, तो तुर्की ऐसा अगर आप देखें तो बिल्कुल गलत है। वर्ष 2010 में इटली में आय समानता पुर्तगाल की अपेक्षा कम थी, पुर्तगाल में ज्यादा थी यूरोपीय देशों में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि इटली में आय समानता पुर्तगाल की अपेक्षा कम थी। नॉर्वे में कार्मिकों की आय में अधिक अंतर नहीं है, तो इस बारे में नहीं कहा गया कि कार्मिकों की आय में अधिक अंतर नहीं, वहां असमानता कम है। OECD देशों में कल्याणकारियों ने अमीर गरीब के मध्य भेद को काफी हद तक कम किया है, फिर से या संदर्भ से बाहर आ जाता है। आते हैं 42वें प्रश्न पे। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं सापेक्षिक निर्धनता निवारण हेतु सफलतम साधन है, क्या ये सबसे सफलतम साधन है? थोड़ा सा यह शब्द भी गलत है, ये सबसे सफलतम या ये अच्छे साधन है, क्योंकि इस बारे में तो दिया हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए कि दीज आर द बेस्ट, अगर ये सबसे बढ़िया है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसलेशन की हल्की से दिक्कत कह सकते हैं, तो इसलिए ये उस हिसाब से अगर कहा जाए सबसे उचित है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। यूरो संकट आय असमानताएं बढ़ाने वाले सबसे बड़ा निर्धारक तत्व है।
बल्कि सीधे परीक्षित कहता है कि 2007 से ओईसीडी के लगभग 3/4 देशों में आय समानता का स्तर बढ़ा है। यह अंतर यूरो संकट वाले सर्वाधिक प्रभावित देशों में अत्यधिक तीव्रता से बढ़ा है। तो यह अत्यधिक सबसे बड़ा निर्धारक तत्व तो है, कोई शक नहीं। तो इसलिए केवल दूसरा ही है जो हमारे पास ऑप्शन सही है। इसलिए परीक्षेद फिर से 6 प्रश्न वाला परीक्षेद था, जरूर है ऐसे परीक्षेदों को अच्छे से पढ़ें और फिर प्रश्नों को ऐसे ही के प्रश्नों को परीक्षेद के अनुसार ही किया जाए। उपरोक्त परिच्छेद के अनुसार ओईसीडी देशों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या निश्चित रूप से कहा जा सकता है? अब यहां पे हमें सभी देशों में आय असमानता ने सर्वाधिक ओईसीडी देशों को प्रभावित किया है। सभी देशों में आय असमानता ने सर्वाधिक ओईसीडी देशों को प्रभावित किया है। तो फिर से देखा जाए, विकल्प ए गलत है क्योंकि दिए गए कथन के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए यह आय असमानता ने सर्वाधिक ओईसीडी देशों को प्रभावित किया है बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ओईसीडी देशों की स्थिति 2010 की अपेक्षा 2007 में बेहतर थी। अगर देखा जाए तो यहां कहता है कि आर्थिक विषमता तथा आय में असमानता के बारे में ज्यादा बोला गया है, और इसी आधार पे क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2007 की 2010 की तुलना में 2007 की में ओईसीडी देशों की स्थिति अच्छी थी? ऐसा इस बारे में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जो जो एक दोनों के बीच कंपैरिजन है वो इस तरह का नहीं, वो इसलिए इस पे नहीं है कि देशों की स्थिति बेहतर है, जबकि असमानता पे है सिर्फ। विकल्प सी, कुछ गैर ओईसीडी देशों ने आय असमानताओं के संबंध में ओईसीडी देशों की अपेक्षा आर्थिक संकट का बेहतर तरीके से सामना किया है। बिल्कुल दिया है, भारत और चीन का अच्छे से यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए कुछ गैर ओईसीडी देशों ने सच में किया अच्छे से। आय वितरण में सर्वाधिक अंतर यूरो जोन संकट से प्रभावित देशों में है। आय वितरण में सर्वाधिक अंतर यूरो जोन संकट से प्रभावित देशों में क्या इस बारे में आगे कहा जा सकता है? बल्कि कहे देखें तो यूरो जोन संकट से ग्रस्त देशों में असमानता की खाई तेजी से बढ़ी है, और इससे यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि इन देशों में अंतर सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक अंतर यहां पे है यह नहीं कहा जा सकता, बढ़ी जरूर है। तो सी विकल्प हमारे पास सही। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिच्छेद में प्रदत्त आय असमानता का संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? फिर से ध्यान दीजिए, प्रदत्त आय असमानता का संपूर्ण साक्ष्य। तो आय असमानता के बारे में अगर देखें, ओईसीडी देशों में सर्वाधिक असमानता चिली और इजराइल में है। बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि चिली और इजराइल 6 नंबर पे आ रहा है। बिल्कुल आय असमानता के स्तर में 3/4 ओईसीडी देशों में वर्ष 2007 की अपेक्षा गिरावट आई है। तो बल्कि देखा जाए तो विकल्प बी आर्थिक वृद्धि दर की बात कहता है, जो कि परिच्छेद में अनुसार आय में असमानता से संबंधित नहीं है। वर्ष 2010 में सभी 33 ओईसीडी देशों की 10% सर्वाधिक धनी जनसंख्या ने 10% सर्वाधिक गरीब जनसंख्या की अपेक्षा 9.5 गुना अधिक आय अर्जित की है। सीधे सीधे हमारे पास परिच्छेद में दिया हुआ है, इसलिए बिल्कुल सही है, सीधा सीधा कथन है, आसान है। स्पेन तथा इटली में पिछले 5 वर्षों में गरीब अधिक गरीब होते गए हैं। इस बारे में कुछ डायरेक्ट नहीं कहा गया कि स्पेन और इटली में ऐसा हुआ है, जबकि निर्धनों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन स्पेन और इटली के बारे में ऐसा कुछ डायरेक्टली या साफ तौर पर नहीं कहा गया। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्ष 2010 में आय असमानता इजराइल की अपेक्षा तुर्की में अधिक थी। तो तुर्की ऐसा अगर आप देखें तो बिल्कुल गलत है। वर्ष 2010 में इटली में आय समानता पुर्तगाल की अपेक्षा कम थी। पुर्तगाल में ज्यादा थी, यूरोपीय देशों में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि इटली में आय समानता पुर्तगाल की अपेक्षा कम थी। नॉर्वे में कार्मिकों की आय में अधिक अंतर नहीं है। तो इस बारे में नहीं कहा गया कि कार्मिकों की आय में अधिक अंतर नहीं, वहां असमानता कम है। ओईसीडी देशों में कल्याणकारियों ने अमीर गरीब के मध्य भेद को काफी हद तक कम किया है। फिर से या संदर्भ से बाहर आ जाता है। आते हैं 42वें प्रश्न पे। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं सापेक्षिक निर्धनता निवारण हेतु सफलतम साधन है। क्या ये सबसे सफलतम साधन है? थोड़ा सा यह शब्द भी गलत है। ये सबसे सफलतम या ये अच्छे साधन है, क्योंकि इस बारे में तो दिया हुआ है, लेकिन अगर कहा जाए, अगर देखा जाए कि दीज आर द बेस्ट
अगर ये सबसे बढ़िया है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसलेशन की हल्की सी दिक्कत कह सकते हैं, तो इसलिए ये उस हिसाब से अगर कहा जाए सबसे उचित है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। यूरो संकट आया समानता है बढ़ाने वाले सबसे बड़ा निर्धारक तत्व है, बल्कि सीधे परीक्षित कहता है कि 2007 से OECD के लगभग 3/4 देशों में आय समानता का स्तर बढ़ा है। यह अंतर यूरो संकट वाले सर्वाधिक प्रभावित देशों में अत्यधिक तीव्रता से बढ़ा है। तो यह अत्यधिक सबसे बड़ा निर्धारक तत्व है, कोई शक नहीं। तो इसलिए केवल दूसरा ही है जो हमारे पास ऑप्शन सही है। इसलिए परिच्छेद फिर से 6 प्रश्न वाला परिच्छेद था, जरूर है ऐसे परिच्छेदों को अच्छे से पढ़ें और फिर प्रश्नों को ऐसे ही प्रश्नों को परिच्छेद के अनुसार ही किया जाए। आइए अगले परिच्छेद को देखते हैं, 5 प्रश्नों का ये परिच्छेद, अच्छा परिच्छेद है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और इस पे हम आते हैं आगे। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सृजनात्मकता से इतिहास के पुनर्लेखन की प्रक्रिया में दोष आता है। अब अगर वापस अगर पढ़े तो हमें कुछ चीजें भी दिखेंगी बल्कि अगर हम ध्यान से पढ़े परिच्छेद को तो कहता है इतिहास पुनर्लेखन में सृजनात्मकता शामिल रहती है। तो सृजनात्मकता से इतिहास के पुनर्लेखन की प्रक्रिया में दोष आता है, यह अपने आप बिल्कुल ही गलत हो जाता है। इतिहास के प्रबल दमनकारी विषय शायद ही कभी पुनर्व्यवस्थित हो पाए जिससे कि अतीत के उस कालखंड की नई समझ का विकास हो पाए। वापस अगर ध्यान दें तो साफ रूप से परिच्छेद कहता है इतिहास पुनर्लेखन में महत्वपूर्ण विषयों की पुनर्व्यवस्था करना अत्यधिक आवश्यक है। इसके बाद मतलब अगर हम दूसरे कथन को फिर से पढ़ें, इतिहास के प्रबल दमनकारी विषय शायद ही कभी पुनर्व्यवस्थित हो पाए जिससे कि अतीत के उस कालखंड की नई समझ का विकास हो पाए। यहां पे जो चीज कहना चाह रहा है वो कैसे अलग है जो परिच्छेद में दिया गया है। परिच्छेद कहता है कि इतिहास पुनर्लेखन में महत्वपूर्ण विषयों की पुनर्व्यवस्था करना अत्यधिक आवश्यक है और यहां पे प्रद्युत दमनकारी विषय शायद ही कभी पुनर्व्यवस्थित हो पाए जिससे कि अतीत के उस कालखंड की नई समझ का विकास हो सके। तो बिल्कुल ही अलग विचार हो जाते हैं जिससे हमें ऑप्शन 2 भी गलत हो जाता है। NCERT का वर्तमान पाठ्य पुस्तकों से कुछ परिच्छेदों को हटाने का निर्देश किसी अघोषित उद्देश्य की ओर इशारा नहीं करता। बल्कि अगर देखा जाए तो सीधे सीधे साफ तौर पर सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही सीधा है, सीधे दिया गया है कि NCERT की पाठ्य पुस्तकों से हटाए गए अघोषित उद्देश्यों तथा कपटी मानसिकता की ओर संकेत करते हैं। तो इस वजह से तीनों के तीनों गलत हो जाते हैं और हमारे पास ऑप्शन ए सही तरीका सही उत्तर हो जाता है। इसके लिए लेखक इतिहासकारों के अतीत के बारे में स्वीकृत अवधारणाओं के पुनर्लेखन का सुझाव देता है। अब ये सुझाव देता है लेकिन उससे अतीत का सत्य कभी एकल नहीं होता था, समान घटनाओं से विभिन्न विचार तथा अर्थ निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं और परिच्छेद के अनुसार साफ तौर पर यह दिया गया है। ICHR तथा NCERT जैसी संस्थाओं का प्रचंड नियंत्रण नहीं होना चाहिए, लेखक ऐसा कहता है, लेकिन इससे लेखक इतिहासकारों को अतीत के बारे में स्वीकृत धारणाओं के पुनर्लेखन सुझाव देता है, इससे अनरिलेटेड है, इससे कहीं भी इससे मेल नहीं खाता, इसलिए बी ऑप्शन को अपने आप हटा दें। सृजनात्मक तथा इतिहास लेखन 2 भिन्न आयाम है, बल्कि परिच्छेद इस बारे में उल्टा कहता है उन्हें पृथक रखना चाहिए, बल्कि उन्हें पृथक नहीं रखना चाहिए। इतिहास का विकास इतिहासकारों के शोध के परिप्रेक्ष्य से स्वतंत्र होता है, फिर से ये एक ऐसी चीज है जो मेंशन नहीं है, जबकि परिच्छेद में जो विचार है उसके साथ मेल नहीं खाती। लेखक की शैली, अब अगर लेखक की शैली देखा जाए तो क्या लेखक ने कहीं आलोचना की या लेखक ने किसी पे आरोप लगाया? अगर नहीं किया तो इसलिए अभियोगात्मक और समीक्षात्मक तो अपने आप नहीं हुआ। अब वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिवादी है? वस्तुनिष्ठ नहीं आ रहा है या एक व्यक्तिवादिता आ रही है, इससे यानी कि यह सब्जेक्टिव है। परिच्छेद के अनुसार वह क्या है जिसके विरुद्ध आधुनिक भारतीय इतिहास संघर्ष कर रहा है? इसके स्रोत तथा शोध संसाधन भारतीय नहीं है जबकि अवधारणाएं भारतीय है। कुछ देखा जाए तो यह थोड़ा सा सही हो जाता, स्रोत और संस्थाएं विदेशी नहीं है बल्कि इतिहास की अवधारणाएं भी भारतीय नहीं है जैसा कि अंतिम विकल्प में प्रदत्त विचार में इंगित है। तो ये आपके ऑप्शन अगर देखें तो आपके में दिया ही हुआ, आपके पास आंसर दिया होगा, साफ तौर पे जो रीजन दिया मैं वही रिपीट करूंगा कि ए में आधे तौर पे दिया हुआ है और डी ऑप्शन है जिसमें
दिया हुआ है, भारतीय इतिहास और अपने औपनिवेशिक अवधारणाओं में रचा बसा है। हमें अभी भी जहां कॉलोनियल मेंटालिटी हमारी रहती है, तो इसलिए वो बिल्कुल सही है। इतिहास के पुनर्लेखन की प्रक्रिया भारतीय इतिहास का तत्कालिक रुचि नहीं है, बल्कि उल्टा ही बात है। परिच्छेद आपके प्रारंभ में ही दिया गया हुआ है, इतिहासकारों द्वारा पुनर्लेखन की आवश्यकता तथा इच्छा का उल्लेख है, तो इसलिए उसमें रुचि नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाता है, इतिहास पुनर्लेखन विकृत हो गया क्योंकि एनसीईआरटी कुछ किताबें पक्षपातपूर्ण ढंग से संशोधित की गई हैं, बल्कि इस तरह का साफ तौर पर इस तरह से मेंशन नहीं है। तो डी ऑप्शन है सही, जहां भारतीय इतिहास औपनिवेशिक अवधारणाओं में रचा बसा है, ये बिल्कुल सही है। 47वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन अवयवों को पुनर्लेखन के परीक्षण के दौरान परखा जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको वो लाइन देखनी पड़ेगी, वह पंक्ति देखनी पड़ेगी जिसमें इसका जो है डिटेल दिया गया है, इसके बारे में हम कुछ अनुसरित कर सकते हैं। वो आता है यदि पुनर्लेखन, आप आइए इस अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति पे, यदि पुनर्लेखन ऐतिहासिक ज्ञान हेतु तो इतना महत्वपूर्ण है, तो हमें पुनर्लेखन की जिन प्रवृत्तियों की निरंतर जांच करते रहना आवश्यक है, वह है अनुमान जो तर्क आधारित है, प्रश्न जो पूछे गए हैं, वह तरीके जिसमें ज्ञान को प्रमाणित किया जाता है, तथा कहानी की संरचना का स्वरूप। तो ये इस पंक्ति से आपको 47वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 47वां प्रश्न फिर से पढ़ें, निम्नलिखित में से किन अवयवों को पुनर्लेखन के परीक्षण के दौरान परखा जाना आवश्यक है। तो इस हिसाब से हमारे पास वह रीति जिससे ज्ञान को प्रमाणित किया जाता है, साफ तौर पे छलकता है इससे। ऐतिहासिक घटनाओं का प्रश्न दार्शनिक अभिप्राय कहीं ऐसा मेंशन ही नहीं है, कहीं ऐसा उल्लेखित नहीं है, इसलिए अपने आप हटा सकते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं में नई परिप्रेक्ष्यों की खोज, तो ए और बी ऑप्शन भी साथ साथ देखें तो मेल नहीं खाता, सी ऑप्शन साफ तौर पर उस पंक्ति से इंगित होता है। आते हैं अगले परिच्छेद पे, परिच्छेद ये दूसरा परिच्छेद जो पिछले 11 प्रश्नों में से है, तीन प्रश्न है इसमें, थोड़ा अमेरिका के बराक ओबामा की एक स्पीच और उनके कुछ कंटेंट्स के बारे में है। आइए देखते हैं प्रश्न। अमेरिकी संविधान का वी द पीपल उपवाद अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किन वादों के रूप में रखा गया। तो अगर परिच्छेद देखें तो डी ऑप्शन से शुरू करते हैं, वे दीर्घकाल से उपेक्षित सरकार की भूमिका संबंधित बहस को पुनः प्रारंभ करना चाहते थे। प्रश्न है कि वी द पीपल उपवाद के अमेरिका किन वादों के रूप में रखा गया। यह उनकी अपनी एक राजनीतिक दुविधा है, तो इसलिए इसको वी द पीपल उपवाद के में किन वादों के रूप में रखा गया इसमें नहीं लाया जा सकता। फिर उन लोगों रिपब्लिकनों के साथ किसी भी प्रकार के मेल जोल से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करते हैं, फिर से यह उनकी एक राजनीतिक यह उनकी एक राजनीतिक दिक्कत है, राजनीतिक उद्देश्य में से एक है। वो रोमनी द्वारा उनकी इंटाइटलमेंट नीति पर आक्रमण की भर्त्सना करते हुए अमरीका में आर्थिक संकट को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अवसर मानते हैं, फिर से यह अलग चीज, बल्कि वी द पीपल मतलब वो मतलब कहना चाहते हैं कि वह लाभ जो कि पूर्ण जनता को मिले, वह लाभ वह चीजें जो जनता को के फायदे में रहे। उन्होंने अप्रवासन, पर्यावरण, लैंगिक अधिकार, आर्थिक समानता इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर नीतिगत सुधारों का वादा किया, और ये वे वादे हैं जो वी द पीपल उपवाद के लिए सही बैठते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राजनीति को जनता के लिए प्राकृतिक रूप से तमाशे की तरह भी कार्य करना चाहिए। तानाशाही राजनीति में हमें हमारे समय में कार्य करने में सक्षम बनाती है। अगर देखा जाए कि हमारे पास किस तरह के दिया हुआ है, किस तरह की पंक्तियां दी हुई है लाइनों में, तो राजनीति को तमाशे से विस्थापित करने का स्पष्ट खंडन करते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास पहला ऑप्शन सीधे तौर पे सही है। तानाशाही राजनीति में हमें हमारे समय में कार्य करने में सक्षम बनाती है, बल्कि अगर यह देखा जाए तो वह स्पष्टता कहते हैं कि प्रगतिशील राजनीति का उनका विचार निरंतर बहस और सुधार की अपेक्षा रखता है, तथा इसमें तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। तो तानाशाही राजनीति का भी ओबामा जोरदार ढंग से खंडन करते हैं, तो इसीलिए यह दोनों चीजें हैं जिनका ओबामा जोरदार ढंग से खंडन करते हैं। परिच्छेद के अनुसार ओबामा प्रशासन द्वारा कौन सा
नए निर्देश नियोजित हैं रिपब्लिकन से सभी संबंधों को समाप्त करना, रादर बल्कि उन्होंने इस जगह कहा है कि रिपब्लिकनों से संबंध हुए तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्होंने रिपब्लिकनों साथ संबंध स्थापित करने के बारे में जो वार्ता थी वह वार्ता बंद कर दी है। तो वार्ता जो है बात करना बंद कर दिया है, संबंधों को समाप्त नहीं किया है। ऑक्यूपाई आंदोलन के कारण का खंडन करना, जबकि उन्होंने इसका समर्थन करते हैं। विभिन्न मुद्दों से संबंधित उधार नीतियां लागू करना, जी हाँ बिल्कुल, ये विभिन्न मुद्दों से संबंधित उधार नीतियां लागू करना, जी इनके संकेत ओबामा ने दिए हैं और अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए वादा किया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। तीसरा परिच्छेद, वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारे औषधि क्षेत्र में FDI को लेके है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेके, आइए देखते हैं इस पर प्रश्न। परिच्छेद के अनुसार दवा क्षेत्र किन किन समस्याओं से जूझ रहा है? वर्ष 2012-13 में अप्रैल दिसंबर के दौरान औषधि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिर्फ $589 मिलियन हुआ है। क्या $589 मिलियन सिर्फ है? क्योंकि इसमें कहीं तुलनात्मक नहीं दिया हुआ है कि कितना जो है सही होता है, कितना गलत है, कितना कम है। तो सिर्फ $589 मिलियन कहना यह गलत है कि हमें पता ही नहीं कि सच में ये कितना ज्यादा होता है या कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां तेजी से देशी दवा कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है, साफ तौर पर दिया हुआ है कि वे, इसलिए ये दिक्कत है, हमारी देशी दवा कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है। क्षेत्र में अधिकांश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ब्राउनफील्ड औषधि क्षेत्र में हुआ है, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि वह एक यह एक दिक्कत है, इस बारे में नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र कैबिनेट के पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु निर्णय लेने का निर्विवाद प्राधिकार है। अगर इसमें देखा जाए तो यह हुआ है कि केंद्रीय कैबिनेट ने व्यापार उद्योग मंत्रालय की विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को कड़ा करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था, किंतु इस अतिवादी कथन को परिच्छेद के आधार पर हम वैध नहीं ठहरा सकते कि उनके पास निर्विवाद अधिकार है। तो उनको, क्योंकि परिच्छेद में इस बारे में कुछ दिया नहीं गया है। विदेशी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां नई कंपनियों के विदेश निवेश की अपेक्षा पहले से स्थापित कंपनियों में निवेश करने की वरीयता देती दिखा रही है। अब कहता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 96% हिस्सा पहले से स्थापित दवा कंपनियों में हुआ है, तो इसका मतलब कि उनको वरीयता दी जा रही है, इसलिए केवल 2 यहाँ पे सही ठहराया जा सकता है। परिच्छेद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन गलत है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग औद्योगिक सर्वेक्षण हेतु उत्तरदायी है, परिच्छेद के अनुसार बिल्कुल सही। वाणिज्य और उद्योग विभाग औषधि क्षेत्र के हितों की रक्षा करना चाहता है, अगर आप देखें तो उसमें इस बारे में अनुसरित किया जा सकता है। यदि कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनी किसी दवा कंपनी की स्थापना विदेश निवेश करना चाहती है तो उसे विदेशी निवेश संबंधन बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। अब अगर परिच्छेद के अनुसार देखें तो बोर्ड स्थापित कंपनियों में विदेशी निवेश हेतु स्वीकृति देना है, ना कि नई कंपनियों में। अन्य सभी विकल्पों को परिच्छेद के आधार पर वैध ठहराया जा सकता है। तो जैसा कि आपने सीधे सीधा प्रश्न आसान है ये, और इसलिए ये वाला है जो कि हम निम्नलिखित में से ये कथन परिच्छेद के अनुसार गलत हो जाता है, और सरकार विदेशी निवेश का स्वागत करती है किंतु यह एक ऐसा विनियमित प्रक्रिया के अंतर्गत करना चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वर्षा सिर्फ तभी होती है जब बादल छाए होते हैं, यानी कि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि बादल जब छाए होते हैं उनकी वजह से ही वर्षा होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि क्यों आखिर वर्षा होती है, और बादल हमारे पास यहाँ पे वह कारण है जिसके वजह से फल होता है कि वर्षा होती है। जब सूर्य निकलता है तब कभी बादल नहीं छाते, ध्यान दीजिएगा, जब भी सूर्य निकलता है तब कभी बादल नहीं छाते, और ध्यान रखिए जब बादल छाए होते हैं तभी वर्षा होती है, यानी कि जब सूर्य निकला होगा तो बादल नहीं छाए होंगे, जब बादल नहीं छाए यानी कि वर्षा नहीं होगी। तो थोड़ा सा निकाला जा सकता है, ब्राजील में सदैव सूर्य निकलता है, अगर वहां सदैव सूर्य निकलता है तो वहां यानी कि कभी बादल नहीं छाते, और अगर बादल नहीं छाते तो वर्षा नहीं होती। आइए देखते हैं चारों इन उपरोक्त कथनों से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यदि बादल छाए हैं तो बारिश होती है, लिखा है कि वर्षा तभी होती है जब बादल छाए होते हैं, लेकिन अगर बादल छाए हैं तो क्या जरूरी है बारिश हो? ऐसा जरूरी नहीं है। वर्षा बादल की वजह से होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर बादल छाए हैं तो बारिश जरूर होगी। बारिश हुई है तो बादल होंगे, लेकिन बादल है तो जरूरी नहीं कि बारिश होगी। यदि बादल नहीं छाए तो सूर्य निकलता है,
उल्टी बात हो गई है, जब सूर्य निकलता है तब कभी बादल नहीं छाते, और यहां पे कहता है कि जब बादल नहीं छाए तो सूर्य निकलता है, वही की कॉज एंड इफेक्ट वाली बात हो गई कि क्या कारण रहा है। कारण है बादल तब नहीं निकल छाते जब सूर्य निकलता है, ऐसा नहीं कि तो बादल नहीं छाए तो सूर्य नहीं निकला होगा, तो सूर्य निकला होगा, इसलिए अपने आप ही गलत हो जाता है ये। ब्राजील में सदैव वर्षा होती है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं ब्राजील में सदैव वर्षा होती है? ब्राजील में सदैव सूर्य निकलता है, अगर सूर्य निकलता है तो कभी बादल नहीं छाते, या बादल नहीं है तो वर्षा तो हो ही नहीं सकती, यदि बादल नहीं छाए होते तो वर्षा नहीं होती। यह बिल्कुल सही है कि वर्षा तभी होती है जब बादल छाए होते हैं, तो यानी कि ये बात कह सकते हैं अगर बादल नहीं छाए होते हैं तो वर्षा नहीं हो। जब एक हवाई जहाज जिसे 1200 किलोमीटर की यात्रा तय करनी अपनी सामान्य गति से 200 किलोमीटर धीमी गति से चलता है तो उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने में एक घंटा अधिक समय लगता है, यानी कि 1200 की अगर स्पीड एक्स मानी जाए तो वह कुछ घंटे लेती है, और 1200 में जब स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो एक घंटा ज्यादा लेती है, तो यानी कि ये जितना आएगा ये इससे एक घंटा ज्यादा होगा। तो इसका अर्थ हुआ एक्स बराबर हमारे पास 600 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर यह 600 किलोमीटर प्रति घंटा है तो गंतव्य पर पहुंचने में समय कितना लगता है? 1200/600 यानी कि 2 घंटे समय लगता है, और 200 की स्पीड कम होगी तो उसको 3 घंटे का समय लगेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिर्फ धनाढ्यों को ही समारोह में आमंत्रित किया गया है। समारोह के कुछ आमंत्रित गण प्रायोजक हैं। सभी प्रायोजकों को उनके योगदान के सम्मान में कुछ उपहार दिए जा रहे हैं। तो खैर यहाँ पे सीधे सीधे अगर आप बी ऑप्शन पढ़ें तो बी ऑप्शन आपको सीधे देता है, समारोह के सभी प्रायोजकों को उनके योगदान के सम्मान में उपहार दिए गए, और ये तीसरा ऑप्शन सीधे सीधे मिल जाता है। वैसे ही बहुत आसान प्रश्न था, फिर भी अगर बाकी अगर हम कथनों को देखें, सभी धनाढ्यों को उनके योगदान के सम्मान में उपहार दिए गए ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि उपहार दिए किनको दिए गए? प्रायोजकों को। समारोह के सभी आमंत्रित गण प्रायोजक है, सभी आमंत्रित गण प्रायोजक है ऐसा नहीं है, कई धनाढ्य भी हैं। उपरोक्त में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ऐसा नहीं है बी वाला निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यहां पे हमारा ए बी सी डी एफ, ये इसको एक हम एक क्यूब बनाते हैं, इसको हम एक घन बनाते हैं, तो इसमें जो है आखिर सी के पीछे क्या होगा? अब देखिए सी को रखा जाए तो ए और सी इस तरह से आ जाएंगे, ए यहां पे होगा और सी यहां पे होगा, और सी से वहां मोड़ा जाए तो ई पीछे की तरफ आ जाएगा। अब ए के नीचे है बी, बी को मोड़ा जाएगा तो यहां चले जाएंगे, और ए के ऊपर आता है एफ, जो कि एफ इस पोजीशन में आएगा, इधर की पोजीशन में ई होगा, इधर की पोजीशन में सी होगा, इधर की पोजीशन में ए होगा, और एफ की बिल्कुल नीचे की तरफ पोजीशन में होगा बी, और बी को यहां से मोड़ेंगे डी को तो एफ की इधर डी आएगा, तो यानी कि सी के सामने होगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र के सभी परास्नातक महाविद्यालय यूजीसी प्रमाणित है, उनमें से कुछ की कई शाखाएं हैं। सभी परास्नातक महाविद्यालय जिनमें 1000 से अधिक छात्र हैं की कई शाखाएं हैं, सभी महाविद्यालय यूजीसी प्रमाणित नहीं है। देखिए तो कुछ हमारे पास कथन है, अब देखते हैं इनसे क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। इस क्षेत्र में सिर्फ यूजीसी प्रमाणित महाविद्यालय ही है। अब देखिए पहला कथन कहता है इस क्षेत्र में सभी परास्नातक महाविद्यालय यूजीसी प्रमाणित है, यानी कि सारे परास्नातक महाविद्यालय जो यूजीसी सभी महाविद्यालय, चौथा कथन देखें सभी महाविद्यालय यूजीसी प्रमाणित नहीं है, तो इसका मतलब कुछ परास्नातक महाविद्यालय नहीं है। सभी परास्नातक अगर यूजीसी प्रमाणित है और सभी महाविद्यालय यूजीसी प्रमाणित नहीं है तो यानी कि परास्नातक कुछ नहीं है, तो इस क्षेत्र में सिर्फ यूजीसी प्रमाणित महाविद्यालय है, तो यानी कि ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो अगर परास्नातक नहीं होंगे तो वहां पे हमारे पास सीधे कथन चौथे से अनुसरित कर सकते हैं। इसके बाद कहता है कि कुछ यूजीसी प्रमाणित परास्नातक विद्यालय जिनकी कई शाखाएं हैं इस क्षेत्र में मौजूद हैं। फिर से ध्यान दीजिए कथन दूसरे और तीसरे पे, उनमें से कुछ की कई शाखाएं हैं, सभी परास्नातक महाविद्यालय जिनमें 1000 से अधिक छात्र हैं की कई शाखाएं हैं, कुछ यूजीसी प्रमाणित परास्नातक विद्यालय जिनकी कई शाखाएं हैं इस क्षेत्र में मौजूद है। तो कुछ यूजीसी प्रमाणित परास्नातक महाविद्यालय इस क्षेत्र में मौजूद है, इस चीज को अगर हटा दें जिनकी कई शाखाएं इस क्षेत्र में मौजूद है तो बाकी सारा हिस्सा सही है। अब देखना है कि जिनकी कई शाखाएं हैं, बिल्कुल जैसा कि बोला गया उनमें से कुछ की कई शाखाएं हैं, अगर उनमें से कुछ की कई शाखाएं हैं
तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी सही है, तो बी ऑप्शन हमारा अपने आप सही हो जाता है। सी ऑप्शन, वे महाविद्यालय जो यूजीसी प्रमाणित नहीं है कि कई शाखाएं नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं निकाला जा सकता। अधिकांश परास्नातक महाविद्यालय में 1000 से अधिक छात्र हैं, ऐसा चारों स्टेटमेंट में कहीं नहीं अनुसरित किया जा सकता। आगे इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस संपूर्ण वर्ष में पृथ्वी के प्राकृतिक तंत्र ने जितना उत्पादन किया उसका उन सबका उपभोग करके मानवता प्रकृति की ऋणी हो गई है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के छनन से लेकर खाद्यान्न हेतु कच्चे माल के उत्पादन तक वर्ष भर में पृथ्वी जितनी भी परिस्थितिकीय सेवाएं दे सकती है उन सबका उपभोग पृथ्वीवासी कर चुके हैं। हम अब प्रकृति द्वारा 12 माह में उत्पादित संसाधनों का उपभोग 10 माह से भी कम समय में कर रहे हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं उपलब्ध संसाधनों से अधिक है। तो अगर देखा जाए तो कहता है मानव समाज प्रकृति द्वारा वर्ष भर में जो भी संसाधन है उनका उपयोग 10 माह में ही कर लेता है। तो इससे कई वैसे तो कई विकल्प निकाले जा सकते हैं। पहला कहता है कि आवश्यकताएं कभी वास्तविक उपभोग के बराबर नहीं होती क्योंकि उनमें अवशिष्ट शामिल नहीं होते। तो इसलिए पहला वाला मनुष्य की आवश्यकताएं उपलब्ध संसाधनों से अधिक है, इससे नहीं निकाला जा सकता। सी ऑप्शन देखते हैं। मानव समाज को ग्रीन हाउस गैस के दुष्प्रभाव को झेलकर प्रकृति के ऋण को चुकाना होगा। क्या ऐसा है ये? अगर देखा जाए तो इस तरह का कोई हमारे पास कोई जो है कथन मेल नहीं खाता। इस वर्ष के अंतिम में 2 महीनों में भोजन सामग्री अनुपलब्ध होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कि 10 महीने में कर लिया तो 12 माह का बिल्कुल फिक्स आया था और जिसे 10 महीने में कर लिया गया है उसका उपभोग। मानव समाज पारिस्थितिकीय संसाधनों का प्रकृति द्वारा उनके उत्पादन से अधिक शीघ्रता से उपभोग कर रहा है, बिल्कुल सही। यानी कि जितने हमारे पास जो संसाधन है तो उनके उत्पादन से अधिक जो हमारे पास जो प्रकृति पैदा कर रही है उससे ज्यादा तेजी से हम उसे उपभोग कर रहे हैं। अगले दो प्रश्नांश हमारे यहाँ निम्नलिखित सारणी वित्तीय वर्ष 2012-13 में 12 महीने की समयावधि के दौरान भारत के आयात और निर्यात को प्रदर्शित करती है। दी गई समयावधि में भुगतान की देय राशि सर्वाधिक थी। तो अगर ये देखें तो किस महीने, सीधे सीधे हमें प्लस माइनस करना होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। अगर देखा जाए तो हमारे पास अक्टूबर में आता है जब हमारे पास 24,026 एक तरफ और 44,660 एक तरफ है, जिससे 20,000 का 20,000 से ज्यादा का देय राशि है। दिए गए वर्ष में अक्टूबर से दिसंबर माह तक कुल भुगतान की देय राशि, इसको जोड़ा जा सकता है और बाकी जो है उसमें से दूसरे हमारे कॉलम को निकाला जा सकता है। तो एक तरफ आयात और निर्यात का जोड़ निकालें, आयात का जोड़ निकालें और दूसरे निर्यात का जोड़ निकालें और इससे इन दोनों योगों के बीच का अंतर निकाला जा सकता है, जिसकी वैल्यू आती है 56,559। इसका मान इतना आता है आपके सामने अपेक्षित देय राशि। नीचे दिए गए समस्या चित्रों के अवयव बाएं से दाएं से देखने पर निश्चित नियम के अनुसार परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ देखा जाए किस तरह से परिवर्तित हो रही है, ये देखिए, ये यहाँ से आगे की तरफ आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी दक्षिणावर्त में और दक्षिणावर्त में और उल्टी तरफ हो जाते हैं। तो इसलिए उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, तो इसके बाद ये वापस आएगा इस पोजिशन में और ऊपर की तरफ। तो हमें देखना है कौन से में है। हमारे पास शायद सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए काफी आसान प्रश्न हो गया। 62 का उत्तर ए हो गया। निम्नलिखित आरेख में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो अगर देखें किस तरीके से यह सीरीज बढ़ रही है, यह क्रम किस तरीके से बढ़ रहा है, तो पी के बाद क्यू आर यानी कि दो इसमें से योग आया और आर के बाद एस यानी कि एक जोड़ा गया, एस के बाद वी, एस टी यू वी यानी कि यहाँ तीन जोड़ा गया, वी के बाद प्लस वन यानी कि डब्ल्यू आ गया। इसी तरह डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड और वापिस ए पे आए तो चार जोड़ा गया और ए से बी पे आए एक जोड़ा गया, बी से जी पे आए पांच जोड़ा गया, जी से एच पे आए एक जोड़ा गया। तो एच से यहाँ पे हम आते हुए 6 जोड़ेंगे और यहाँ से एक जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो लगातार होंगे तो ओ पी पी क्यू एन पी एन ओ क्या होगा, वैसे भी वो साथ वाले ही होंगे और सही उत्तर होगा एन और ओ। जी के बाद एच, एच के बाद 6 जोड़ा जाएगा, 6 के बाद एक और जोड़ा जाएगा, एन और ओ आ जाएगा। हाँ, हमारे पास एक और आकृति है। तो अगर देखें कि हर श्रेणी में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों तीन खाने आगे बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3
इसी तरीके से ये वाला यहाँ पे पहुंच जाता है जिससे ये खाना भर जाता है, फिर उसके बाद एक दो तीन यहाँ वाले खाने में जो कि यहाँ तक पहुंच गया। तो अगर इसी तरह से देखें तो यहाँ ये वाला खाना अपने आप यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये वाला पार्ट एक होना चाहिए काला, ये वाला हिस्सा, और ये यहाँ पे इनकी जगह होगा जहाँ पे ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन सही हुआ प्रश्न 64 में बी। ध्यान दीजिएगा इसमें इसमें कंफ्यूज मत होजिएगा, ये इस अर्ध में है और हमें ऊपर वाले अर्ध में चाहिए। नीचे दिए गए आरेख में वृत्त ए पेंटर है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पेंटर है, वृत्त बी प्रोफेसरों को, ये प्रोफेसर है यहाँ पे, वृत्त सी डॉक्टरों को, और त्रिभुज टी पुरुषों को निरूपित करता है, तो टी ये है पुरुष। कौन सा क्षेत्र उन पुरुषों को, पुरुषों को है तो यानी कि इस त्रिभुज के अंदर ही होगा, को निरूपित करता है जो डॉक्टर और प्रोफेसर है। अब डॉक्टर भी है और प्रोफेसर भी है, डॉक्टर और प्रोफेसर वाला इलाका है ये, यानी कि 6, 5, 6 और 7। अब इसमें पुरुष वाला इलाका है 5 और 7, यानी कि 6 को अपने आप हटा दीजिए आप, ठीक है। अब हमारे पास 5 और 7, इसके बाद हमारे पास फिर कहता है किंतु पेंटर नहीं है, तो अगर सातवां हिस्सा देखें तो डॉक्टर प्रोफेसर और पेंटर तीनों है, तो पांचवा बचता है जो कि हमारे दिए हुए कंडीशन को सही ठहराता है। आइए देखते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रश्न, लास्ट के 6-7 प्रश्न पिछले कई सालों से आ रहे होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग एरिया के, और ध्यान से पढ़े इस पे, और आप जो सोचते हैं वो उस हिसाब से ही करें, और ध्यान रखें पॉजिटिव चीजों को इसमें हमेशा ऑप्शन रखें, नेगेटिव चीज कहीं पे भी सही नहीं हो सकती डिसीजन मेकिंग में, इसलिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कहीं भी चीज जो आपको नेगेटिव थॉट्स देती है, कहीं भी जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है, उस चीज को बिल्कुल अवॉइड करें, और कभी कभार जो चीज तुरंत अर्जेंट है उस चीज पर भी ध्यान दें, अर्जेंसी किसी भी काम में कई बार जरूरी होती है और वहां पर भी दिखाना पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा फैसला जरूर नियमों के अगल बगल हो सकता है, लेकिन वहां पे कभी किसी की जान कहीं खतरे में हो तो वहां पे अर्जेंसी भी दिखानी पड़ती है एक आदमी को, आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आते हैं प्रश्न देखते हैं, आपकी नियुक्ति एक सुदूर क्षेत्र में हुई है, आपको यह प्रशिक्षण दिया गया है कि आपको अपने वरिष्ठ के आदेश किसी भी दशा में मानने हैं, आपका वरिष्ठ आपको उनके व्यक्तिगत कार्य ना करने की दशा में खराब परिणामों की धमकी दे रहा है, ऐसे में आप क्या करेंगे। अब देखिए ऐसे में ऑप्शन पहले देखा जाए, स्वयं को अभिव्यक्त करेंगे तथा उनसे खुलकर बात करेंगे, एंड अच्छा ऑप्शन है, रखा जा सकता है, सीधे बात करने से हो सकता है मसला हल हो जाए, और इसलिए सीधे जो है उससे बात की जा सकती है। जहां आप नियुक्त है उस क्षेत्र में एक सार्वजनिक क्रांति का प्रयास करेंगे, इससे कोई पॉजिटिव इफेक्ट जनरली नहीं आएगा और वहां पे जो है कई प्रतिरोध उत्पन्न होगा इससे, और इसका हो सकता है रिजल्ट कहीं अच्छा ना लगे, तो इसलिए ये डी ऑप्शन अपने आप ही हटा दें, उस क्षेत्र में सार्वजनिक क्रांति लाने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका कई लोग इसको एक छोटी सी बात समझ के भी हटा सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जिससे पक्का भी नहीं है कि आपकी दुविधा हल हो पाए। अपनी परिस्थिति से उपस्थित सर्वोच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे, बिल्कुल किया जा सकता है ये, उनके राज खोलने की धमकी देंगे, उनके राज खोलने की अगर आप धमकी देते हैं तो इससे कोई सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है इस तरह से आपको भी वहां से पद से हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसी दशा में दोनों तरफ से गलत है, एक नेगेटिव थिंकिंग है यहाँ पे। और तो अब हमारे पास ए और सी ऑप्शन है जो कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, इनमें से कौन सबसे बढ़िया है, स्वयं को अभिव्यक्त करेंगे, उनसे खुलकर बात करेंगे, सबसे बढ़िया ऑप्शन, क्योंकि आपको सीधे बात करने से हो सकता है समस्या हल हो जाए और आप उनको अवगत इससे ये अच्छी बात होगी कि आपकी ये दुविधा उन तक पहुंचेगी भी, और इससे हो सकता है आपका जो वरिष्ठ है वो इस बारे में समझे और हरकत को फिर ना दोहराएं। अपनी परिस्थिति से उपस्थित सर्वोच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे, यह भी किया जा सकता है जिससे कि सही स्टेप लिया जा सकता है और आप कानून और रूल के और नियमों के अनुसार ही काम करेंगे, तो इससे भी कोई गलत बात नहीं उत्पन्न होगी और इससे समस्या हल हो सकती है। आप मुख्य इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं जिसको एक बांध के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है, आप परियोजना को समय पर पूर्ण कर लेते हैं, परंतु कुछ हफ्तों बाद ही बांध की दीवार में कुछ दरारें दिखाई पड़ने लगी, ऐसे में यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि अब जब बांध की दीवार में अगर कुछ दरारें दिखने लगी हैं तो जल्दी ही कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहली जो जरूरत है उन दरारों को किसी तरह से भरे और वहां मरम्मत सही से कराए,
और उसके बाद आप कई स्टेप ले सकते हैं। तो बी ऑप्शन, शीघ्रता शीघ्र मरम्मत कराएंगे तथा फिर मुद्दे की जांच करेंगे, सबसे सही, क्योंकि पहले यहाँ पे है पता चला जांच कराने के समय में, जांच कराते समय समय निकल जाए और इससे जो है मरम्मत ना हो पाए और बांध में और दिक्कत आ जाए या बांध फेल हो जाए, जिससे कि वहां पे बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। तो इसलिए सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें यह होगा, कॉन्ट्रैक्टर की अच्छा गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री की आवंटन न कराने के लिए आरोपी बनाएंगे। आपको भी पहली बात ये बात की है कि पता ही नहीं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ने निर्माण सामग्री की आपूर्ति जो है अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं की है, तो इसलिए इस बारे में स्टेप लेना एक नेगेटिव थिंकिंग होगी। ऊपर से यहाँ पे अभी आपको क्योंकि कोई जाँच, क्योंकि ये चीज तो आपको जाँच के बाद ही पता चलेगी, अपने प्रबंधक के आने का तथा उसके अगले निर्देश का इंतजार करेंगे, ये हो सकता है, लेकिन शीघ्रता शीघ्र होने के एक बहुत जरूरी चीज है। और डी ऑप्शन भी देखते हैं, हो सकता है डी ऑप्शन के रहते हैं इसको लिया से, इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे, अपना कारण पूर हो गया है, यह बहुत बड़ा नेगेटिव स्टेप होगा, क्योंकि इससे आगे अगर अगर यह दरार सही में डेंजरस हुई और आगे बढ़ती चली गई तो एक बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी, जिसमें आप अंततः आपको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इससे किसी का भी भला नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही नहीं। अब सी ऑप्शन दिए हुए चार हमारे विकल्पों में ये विकल्प हमारा सही बैठता है यहाँ पे दूसरे स्तर पर। पहले सबसे पहले तो शीघ्रता शीघ्र मरम्मत करानी चाहिए आपको। आप एक अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक प्रतिस्पर्धा में एक टीम के साथ भाग ले रहे हैं, आप अपने एक टीम सदस्य को प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते पकड़ लेते हैं, प्रतिस्पर्धा कुछ ही दिनों में होने वाली है, तो इससे आगे हमारे पास क्या, बिल्कुल जो है बहुत जरूरी चीज है ये, और आजकल हमें पता है स्पोर्ट्स में इस तरह की काफी घटनाएं हो जाती हैं। अपने मुख्य कोच से इसकी चर्चा करेंगे, बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि इंडियन मुख्य कोच ही होंगे जो कि इस चीज के पूरे जिम्मेदार होंगे पूरी टीम के, तो इसलिए उनको ये बात बताना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आगे अगर आपका जो एथलीट है अगर वह आगे पदक जीत भी लेता है और उसके बाद उनका टेस्ट किया जाता है और वो उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं प्रतिबंधित दवाओं के, तो वैसे भी उनका पदक छीन लिया जाएगा, इससे बदनामी भी होगी और कोई फायदा भी नहीं होने वाला। तो इसलिए इसलिए मुख्य कोच को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे नहीं तो वह सरदर्दी आ ही जाएगी। उसे कार्यक्रम हेतु गठित नियमन समिति के सुपुर्द कर देंगे, बिल्कुल इसको भी किया जा सकता है, लेकिन और ऑप्शन देख के उस टीम सदस्य से बात करेंगे, उसे समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल किया जा सकता है, उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जिससे वह भविष्य में कभी भूल ना पाए, यह एक नेगेटिव चीज है, इसको तो तुरंत अवॉइड करें। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है कि क्या है, पहले सीधे से यह बात कि देखिए वो ऑलरेडी अब प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर चुका है, तो इसलिए उससे सीधे बात करना पहले सही रहेगा, क्योंकि अगर वह अभी भी रोक दे तो उससे आगे जो है उसके जो है पॉजिटिव ड्रग टेस्ट में कहीं पॉजिटिव नहीं होगा और आगे वह अपनी ही क्षमता पे जो है आगे अच्छी दौड़ और अच्छा जो है प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा में अच्छे से हिस्सा ले पाएगा, जिससे अपनी क्षमता के अनुसार ही वह जीतेगा हारेगा। तो इसलिए ये बढ़िया रहेगा कि उससे सीधे बात करें, और अगर वहां पे समझाने से प्रयास हल हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले बीती ताहे बिसारी दे आगे की सुध ले, पहले जो हो गया उसको अच्छे से, उसको तो अब नहीं पूरा किया सकता, लेकिन यह कि उससे किसी का गलत नहीं हुआ है तो वहां पे उस चीज को रोका जा सकता है, अब आगे के लिए उनको समझा के ताकि अच्छे रिजल्ट के लिए प्रेरित हो। और अब हमारे पास ए और बी ऑप्शन बचता है, हमारे और बी विकल्प जो कि अब आप अपने मुख्य कोच से, देखिए मुख्य कोच की वहां पूर्ण जिम्मेदारी और आपकी भी जरूरी चीज है कि आप उसके उनको बताएं, क्योंकि जो है आप भी उनके अंडर ही आ रहे हैं। उसके बाद उसे कार्यक्रम हेतु गठित नियमन समिति के सुपुर्द कर देंगे, देखिए अगर इसमें सुपुर्द कर रहे हैं तो वो तो हेड कोच के पास, अगर आप मुख्य कोच को बताएंगे तो वो खुद ही हो सकता है आगे ऐसा करें, तो इसलिए मुख्य कोच को पता चलेगी ही चलेगी, और इससे आपके और मुख्य कोच के बीच कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं कि आपने उनको बिना बताया जबकि गठित नियमन समिति के सुपुर्द कर दिया, तो इसलिए यह गलत स्टेप रहेगा, क्योंकि ओवररूल कर रहे हैं कई लोगों को आप, यहाँ पे आप मुख्य कोच को बताएं, उसके बाद हो सकता है इस तरह का आगे कदम उठाया जा सके। आपके घर में एक पालतू कुत्ता है, वो आपके घर में रोजाना आने वाले दूध वाले को पसंद नहीं करता, एक दिन आपका कुत्ता दूध वाले को काट लेता है और उसी शाम कुत्ता मृत पाया जाता है, पशु चिकित्सक कुत्ते का परीक्षण करते हैं तथा जानकारी देते हैं कि कुत्ते की मृत्यु विषैले खाने के कारण हुई, ऐसे में आप अब देखते हैं क्या इसमें, अब देखिए पहले तो ये है कि परीक्षण करें जानकारी देते कुत्ते की मृत्यु विषैले खाने से हुई है, विषैले खाने से हुई, लेकिन विषैला खाना किस तरीके से मिला ये आपको नहीं पता है, तो इसलिए पशु चिकित्सक से विस्तृत जानकारी जरूर लेनी चाहिए, हो सकता है उस दूध वाले ने ऐसा डाल दिया हो या हो सकता है कोई और भी व्यक्ति हो, तो इसलिए दूध वाले को सीधे भी कहना सही नहीं है, पहले पशु चिकित्सक से विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए सबसे जरूरी है, ताकि आपको सही में कारण पता चले। दूध वाले को दोषी ठहराते हुए उसे सख्त
दंड देंगे, या बिल्कुल नहीं क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि क्या दूध वाले ने सच में ऐसा किया है। नया कुत्ता खरीद लेंगे, यह भी एक गलत बात है क्योंकि इससे आपको पिछले चीज की दिक्कत नहीं पता चलेगी। अब दूध वाले से दूध लेना बंद कर देंगे, यह भी बहुत पॉजिटिव स्टेप नहीं हुआ, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन यहां देखा जाए तो हुआ, नहीं तो यह भी अवॉइड करना चाहिए, और नहीं तो एक्सट्रीम केस में आप इस दूसरे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जबकि यहां पे हमारे पास क्योंकि और उचित विकल्प नहीं है, इसीलिए विकल्प सी थोड़ा सा सही बैठता है। आप अपने ऑफिस में एक टीम के प्रबंधक हैं, आपको संदेह है कि टीम के कुछ सदस्य काम चोरी कर रहे हैं तथा अपना कार्य अन्य लोगों पर डाल रहे हैं तथा कार्य पूर्ण होने पर आपका उसका सारा श्रेय स्वयं ले रहे हैं। ऐसे में आप, खैर अक्सर ही दिक्कत देखने को मिलती है कई कार्यालयों में, पूरी टीम पर काम चोरी करते हुए सख्त दंड लगाएंगे। अब यह तो बिल्कुल ही गलत हुआ, क्योंकि जब आपको संदेह है कि टीम के कुछ सदस्य काम चोरी कर रहे हैं और कुछ लोग पक्का उसमें मेहनती होंगे, तो पूरी टीम पर काम चोरी का आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत बात हुई, जिससे टीम में एक गलत बात फैलेगी। कुछ सदस्यों से टीम की जासूसी करने को कहेंगे, जासूसी करने से आप हो सकता है गलत भावनाएं उत्पन्न करा रहे हैं, इससे भी सीधे बात कर लेना ज्यादा सही होना चाहिए, जबकि जासूसी कराने से से पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं पड़ेगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इनको भी अवॉइड करना चाहिए इस तरह की नेगेटिव टेंडेंसीज। अकस्मात रूप से सदस्यों को बुलाकर उन्हें बताएंगे कि जो रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको है, यह एक तरीका है, उनको बताया जा सकता है कि हाँ भाई आपको इस चीज की जानकारी है और इस चीज से इसके बारे में, तो फिर दूर रहा जाए, और इससे जो है काम पे अगर असर पड़ रहा है तो काम पे अच्छे से किया जाए। इससे कुछ लोग हो सकता है डर के मारे, या हो सकता है कुछ लोग अनभिज्ञ हो इस बात से कि ऊपर वालों को पता ही ना हो, तो इसलिए लोग सुधर सकते हैं कहीं इससे। सदस्यों को बुलाएंगे तथा उन्हें अपने पूरे कार्य की जानकारी देने को कहेंगे, यह बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि कौन कितना कार्य कर रहा है और किसने कार्य में काम चोरी की हुई है, तो इसलिए इससे ये सबसे बढ़िया ऑप्शन, और इसके बाद विकल्प सी अगला सबसे बढ़िया विकल्प होगा। आप बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं, आपकी टीम का एक सदस्य टीम संबंधित कई निर्णयों पर आपसे तर्क करता है, आप यह महसूस करते हैं कि उसके कुछ तर्क कभी कभी उचित होते हैं, किंतु इन तर्कों के परिणाम स्वरूप आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है तथा टीम के अन्य सदस्यों का भी आप पर विश्वास कम हो रहा है। कई बार आपने सच में जिंदगी में इस तरह की कोई दुविधा का सामना किया होगा, तो देखते हैं इससे किस तरह से निपटा जाए। आप संपूर्ण टीम में के सामने उस व्यक्ति की भर्त्सना करेंगे, बिल्कुल गलत बात, जब आपको लग रहा है उसके कई चीज उचित है तो उसको भर्त्सना करने से कोई फायदा होने वाला नहीं, इससे आपकी साख और गिर सकती है। आप उससे कहेंगे कि यदि आपसे मतैक्य नहीं है तो वह अपने विचार अकेले में आपको बताए, बिल्कुल रखा जा सकता है, अगर जो है कई सही उचित भी है उसके कई पॉइंट, तो वह अकेले में रखें, जिससे आपके टीम में आपके प्रति अविश्वास कम नहीं होगा। आप उसे धमकी देंगे कि वह अपना तरीका बदले, नहीं तो उसे टीम से बाहर किया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। वैसे भी अगर वह सही ऑप्शन दे रहा है, सही रिजल्ट, सही राय दे रहा है, तो इसलिए यह तो बिल्कुल भी गलत होगा, और धमकी देने से वैसे भी एक नेगेटिव थिंकिंग होगी, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ सकते। आप उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि तर्क करने की अपेक्षा अंतर्ज्ञ अभिव्यक्ति के सरल तरीके अपनाएं, बिल्कुल सही, यह सबसे सही तरीका होगा कि तर्क ना किया जाए, रादर जबकि इसके जगह अभिव्यक्ति के सरल तरीके अपनाया जाए, और यह सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। और इसके बाद बी ऑप्शन जैसा ए और सी तो नेगेटिव है, उनको तुरंत ही उनको अवॉइड करें, और बी ऑप्शन के साथ में आ जाता है, इन दोनों को साथ रखें। आप एक खेल प्रतिस्पर्धा में गए हैं जिसमें आपका भतीजा 500 मीटर दौड़ में भाग ले रहा है, आप यह देखते हैं कि जो बच्चा जीतने वाला था उसे अन्य प्रतिभागी ठोकर मार देता है और अंततः दौड़ जीत जाता है। ऐसे में आप अगर अब देखा जाए, ऐसा कई बार आपने शायद देखा भी हो, कई बार कुछ लोगों ने किया भी हो, तो इस हिसाब से खैर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपका भतीजा कुछ करने से भी दौड़ जीत नहीं पाएगा। खैर एक आपके सामने गलत हुआ है और आप अगर उसके बारे में बोले ना, तो ये भी एक गलत बात होगी, और आपके अपने चीज फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इसमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज अवॉइड कर सकते, हो सकता है कल को आपके साथ आपके भतीजे के साथ ही हो जाए वो, अगर इस घटना पे को नजरअंदाज किया जाए। विजेता के संबंध में आयोजकों को शिकायत करेंगे, बिल्कुल ये सही होगा, आप आयोजकों को शिकायत करके बता सकते हैं कि ये जो है एक गलत चीज हुई है, जिससे कि आयोजक इस चीज को सही किए कर सकते हैं। छले गए बच्चे को शिकायत करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे तथा उसका समर्थन करेंगे, किया जा सकता है ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं जिससे बहुत नेगेटिव हो, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है तो आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हाँ भाई वो अपने जो है स्टेप को, वो अपनी जो है अपने राइट्स के लिए और अपने जो है क्षमता के लिए वह जाके आयोजकों से इस बारे में बात करें।
अपने भतीजे इस घटने के बारे में बताएंगे तथा विजेता के कार्य की निंदा करेंगे। बिल्कुल ऐसा यही, निंदा करना, पीठ पीछे निंदा करने से कुछ जो है गलत सही नहीं होगा, जबकि जो है आपकी खुद ही एक नेगेटिव टेंडेंसी होती है निंदा करना, और उससे कोई चीज सॉल्व नहीं होती है। तो बी और सी सही ऑप्शन है, इसमें से बी सबसे बढ़िया रहेगा। विजेता के संबंध में आप आयोजक को सीधे बता दें, या आप जाके छले गए बच्चे को शिकायत करने हेतु प्रोत्साहित करें। खुद ही अगर आप चले जाए तो ज्यादा ही सही, आपने देखा है, क्योंकि चले गए बच्चे को जब भी अगर जो है जाके शिकायत करेगा तो इन दी एंड आपसे, क्योंकि आप ही, आपने देखा है वो, आप एक जो है मुख्य रूप से वहां पे गवाह तौर पे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कंफर्म करना पड़ेगा आगे। तो इसलिए आप खुद ही तौर पे, खुद ही अपने तौर पे कर रहे हैं, और आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, आप वरिष्ठ एक एक जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो इसलिए आपकी बात और थोड़े बेटर ढंग से आयोजकों के सामने आ सकती है। तो ये हमारे उस तरह से 80 प्रश्न थे इस मॉक पेपर 4 में, और उम्मीद फिर से मेरी वही कि 140 के आसपास के अंक आपके आने चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं अच्छे खासे जो है, इसलिए जो है वैसे आजकल कई जो है अफवाहें हैं हवा में कि जो है इस बार हमारा पेपर 2 हट रहा है, या उसको कंपलसरी नहीं बनाया जा रहा है, उसको जो है सिर्फ क्वालिफाई माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपका प्रयास रहना चाहिए कि जैसा पिछले साल तक हुआ है वैसा अगर चला तो आपको 140 के आसपास अंक जो है सच में चाहिए होंगे, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ सकते। आप उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि तर्क करने की अपेक्षा अंतर या अभिव्यक्ति के सरल तरीके अपनाएं। बिल्कुल सही, ये सबसे सही तरीका होगा कि तर्क ना किया जाए रादर, जबकि इसकी जगह अभिव्यक्ति के सरल तरीके अपनाया जाए, और यह सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। और इसके बाद बी ऑप्शन जैसा ए और सी तो नेगेटिव है, उनको तुरंत ही उनको अवॉइड करें, और बी ऑप्शन के साथ में आ जाता है, इन दोनों को साथ रखें। आप एक खेल प्रतिस्पर्धा में गए हैं जिसमें आपका भतीजा 500 मीटर दौड़ में भाग ले रहा है। आप यह देखते हैं कि जो बच्चा जीतने वाला था उसे अन्य प्रतिभागी ठोकर मार देता है और अंततः दौड़ जीत जाता है। ऐसे में आप अगर, अब देखा जाए ऐसा कई बार आपने शायद देखा भी हो, कई बार कुछ लोगों ने किया भी हो, तो इस हिसाब से खैर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भतीजा कुछ करने से भी दौड़ जीत नहीं पाएगा। खैर एक आपके सामने गलत हुआ है, और आप अगर उसके बारे में बोले ना तो ये भी एक गलत बात होगी, और आपके अपने चीज फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इसमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज अवॉइड कर सकते। हो सकता है कल को आपके साथ, आपके भतीजे के साथ ही हो जाए वो, अगर इस घटना पे को नजरअंदाज किया जाए। विजेता के संबंध में आयोजकों को शिकायत करेंगे, बिल्कुल ये सही होगा। आप आयोजकों को शिकायत करके बता सकते हैं कि ये जो है एक गलत चीज हुई है, जिससे कि आयोजक इस चीज को सही किए कर सकते हैं। छले गए बच्चे को शिकायत करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे तथा उसका समर्थन करेंगे। किया जा सकता है ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं जिससे बहुत नेगेटिव हो, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है तो आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हाँ भाई वो अपने जो है स्टेप को, वो अपनी जो है अपने राइट्स के लिए और अपने जो है क्षमता के लिए वह जाके आयोजकों से इस बारे में बात करें। अपने भतीजे इस घटने के बारे में बताएंगे तथा विजेता के कार्य की निंदा करेंगे। बिल्कुल ऐसा यही, निंदा कर पीठ पीछे निंदा करने से कुछ जो है गलत सही नहीं होगा, जबकि जो है आपकी खुद ही एक नेगेटिव टेंडेंसी होती है निंदा करना, और उससे कोई चीज सॉल्व नहीं होती है। तो बी और सी सही ऑप्शन है, इसमें से बी सबसे बढ़िया रहेगा। विजेता के संबंध में आप आयोजक को सीधे बता दें, या आप जाके छले गए बच्चे को शिकायत करने हेतु प्रोत्साहित करें। खुद ही अगर आप चले जाए तो ज्यादा ही सही, आपने देखा है, क्योंकि चले गए बच्चे को जब भी अगर जो है जाके शिकायत करेगा तो इन दी एंड आपसे, क्योंकि आप ही, आपने देखा है वो, आप एक जो है मुख्य रूप से वहां पे गवाह तौर पे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कंफर्म करना पड़ेगा आगे। तो इसलिए आप खुद ही अपने तौर पर कर रहे हैं, और आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, आप वरिष्ठ एक एक जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो इसलिए आपकी बात और थोड़े बेटर ढंग से आयोजकों के सामने आ सकती है। तो ये हमारे उस तरह से 80 प्रश्न थे इस मॉक पेपर 4 में, और उम्मीद फिर से मेरी वही कि 140 के आसपास के अंक आपके आने चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं अच्छे खासे जो है, इसलिए जो है वैसे आजकल कई जो है अफवाहें हैं हवा में कि जो है इस बार हमारा पेपर 2 हट रहा है, या उसको कंपलसरी नहीं बनाया जा रहा है, उसको जो है सिर्फ क्वालिफाई माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपका प्रयास रहना चाहिए कि जैसा पिछले साल तक हुआ है वैसा अगर चला तो आपको 140 के आसपास अंक जो है सच में चाहिए होंगे।